तुमने आज तक डेरिवेटिव्स पढ़ा है, अब तुम एंटी डेरिवेटिव पढ़ोगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझ ले जो तुम्हारा सीबीएसई का सिलेबस है, ठीक है। सीबीएसई का सिलेबस मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जो जो भी आपसे वो टर्म टू में इंटीग्रेशन के पूछ सकती है। सो ये सारा कुछ हम आज कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सैम्पल पेपर था, आई होप आपने सैम्पल पेपर भी डाउनलोड कर लिया है। सैम्पल पेपर की अगर आप देखोगे, ये वेटेज है, समझ रहे हो तुम कौन सा चैप्टर कितना उसका है, वो भी हम लोगों ने तुम्हारे लिए कर लिया है एनालिसिस। सो दिस इज द लेटेस्ट सैम्पल पेपर की वेटेज, जिसके अंदर आप देख सकते हो इंटीग्रेशन यार अपना 9 नंबर का पूछा जा रहा है, विच इज क्वाइट अ लॉट। तो बिल्कुल भी मिस करने वाला चैप्टर है नहीं है, ठीक है, डन है। चलो, इंटीग्रेशन जैसे मैंने बात करी, जो भी आपने सीखा है ना उसका उल्टा होने वाली है चीजें, तो फॉर्मूलाज पे भी जाएंगे, पर अभी जैसे थोड़ा से मैं बेसिक से शुरू करूं, इस चीज को समझो प्लीज कि अगर मेरे को पता है यार कि डेरिवेटिव तुम्हारा, प्लीज समझना इस चीज को, एक्स स्क्वायर दे रखा है, मतलब डेरिवेटिव अगर मेरे को एक्स स्क्वायर का लेना है, ठीक है। सो आप सबको पता है यार, सबके सब बच्चे झटपट से 2x लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूँ कि भैया मुझे आप 2x का इंटीग्रल बता दो, इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव या रिवर्स प्रोसेस ऑफ योर डिफरेंशिएशन, तो इसके अंदर अब आप मेरे को क्या जवाब देने वाले हो, ठीक है। प्रोसेस तुम्हारा उल्टा लगेगा, यानी कि यहाँ पे इस चीज को समझो, अगर हम कह रहे थे कि यार डेरिवेटिव एक्स रेस टू पावर एन जो है वो एन एक्स एन माइनस वन है, डेरिवेटिव में याद रखो पावर कम होके चलती है, ठीक है, पावर कम होके चलती है, तो इंटीग्रेशन में क्या है, देखो इंटीग्रेशन बिल्कुल तुम लोगों की तरह है, सब उल्टा करेगा, इसमें एक पावर बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत ईजी प्रोसेस है, इसको याद करना, सॉरी मैंने यहाँ डेरिवेटिव लिख दिया, समझो इसको, इंटीग्रल एंड विद रिस्पेक्ट टू dx, यहां पे एक कम हो जाती है, यहां पे एक पावर बढ़ जाती है, यहां पे तुमने मल्टीप्लाई किया था इससे, यहां पे तुम डिवाइड करोगे। क्या ये चीज समझ में आई है, एक हल्का सा आइडिया लगा है। इनफैक्ट यहां पे बहुत एनडीए के बच्चे, तुमको भी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आज बेसिक से पढ़ा रही हो और इंटीग्रेशन तो सारे तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रही है, डन, ठीक है। अच्छा अब समझो ये बात बेटा, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, यहां पे अब मैंने आपसे पूछा 2x, देखो कांस्टेंट तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे डेरिवेटिव में करता था, ये तो फुदक के बाहर निकलने वाला है, इट्स जस्ट गोना पॉप आउट, ठीक है। अब मैं यहां पे लगाऊं, ये x रेज टू पावर 1 है, थैंक यू, ये x रेज टू पावर 1 है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन 2, यानी कि सिर्फ मेरे को एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। मेरे को बताओ, अगर तुम्हें हल्का सा भी आइडिया है किसी बच्चे को कि क्या ये कंप्लीट है, इंटीग्रल 2x dx अगर मैं ले लूं, क्या ये कंप्लीट है, हाँ कि ना, बच्चा इन द चैट सेक्शन फटाफट से बता दो मुझे, क्या मैं एक्स स्क्वायर पे अपना जवाब छोड़ सकती हूँ, येस और नो इन द चैट सेक्शन, एंड इन द मीनवाइल मैं तुम लोगों को एक ब्लैंक स्क्रीन पे भी ले जाती हूँ। मैंने आपसे पूछा कि अगर 2x dx का जवाब मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं तो क्या ये कंप्लीट है, नहीं, क्या कंप्लीट नहीं है, बड़े सारे बच्चे लिख रहे हैं, नहीं समझना, नहीं पता तो लॉजिक समझ लेना, यहाँ पे हम हमेशा प्लस सी करेंगे जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, डन। तो ये सेशन यार सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है, जो इंटीग्रेशन को लिटरली जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, एंड बिल्कुल आगे तक लेके जाऊंगी आराम आराम से, जितना गला साथ देगा, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, अब ये क्यों लगाया है आपने नेहा मैम, थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझाओ। देखो जब मैंने आपको बोला यार डेरिवेटिव मेरे को आप एक्स स्क्वायर का दो, आपने मेरे को 2x बोला, मैंने बोला आपको डेरिवेटिव मेरे को यार एक्स स्क्वायर प्लस 10 का दो, तो इसमें आप क्या करोगे, आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x होता है मैम, और 10 का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, इट्स अ कांस्टेंट, बढ़िया। अब मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को डेरिवेटिव यार एक्स स्क्वायर माइनस 750 का दो, अब आप बोलोगे नेहा मैम ये भी 2x ही है, अच्छा। अब मैंने आपको बोला उल्टा करो प्रोसेस भैया, इंटीग्रेट करो, तो आपको क्या पता है ये जो 2x आ रहा है ये मेरे को यहां से मिला है, इसकी वजह से मिला या इसकी वजह से मिला है, तो मुझे नहीं पता है ना, नहीं पता, इसका मतलब मैं यहां पे कांस्टेंट लगा के छोड़ दूंगी, भैया वो कोई भी तुम्हारा नंबर हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये चमका, ये चमका सबको, ठीक है।
कुछ और चीजें तुमको बता दूं, ये ना टर्मिनोलॉजी समझा देती हूँ, वरना बच्चे इंटीग्रेशन पढ़ के निकल जाते हैं, समझ नहीं आता हमें कि किसको बोलते क्या है। तो ये है यार तुम्हारा, क्या बुलाते हैं हम इसे, इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड यानी कि जो फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट करते हो, ये तो समझ में आ गया होगा यार, इंटीग्रल बुलाते हैं ऐसे, ठीक है। एंड ये वो चीज है जिसके विद रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसको एक तरीके से समझ लो कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये चीज चमकी एवरीबडी, एंड देखो मेरा यार साथ देते रहना, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट करते रहना बाय हिटिंग द लाइक बटन, तुम्हें भी पता है दिस इज सॉर्टेड बच्चों, एवरीबडी सुपर्ब। तो अब यही जो हमने प्रोसेस अभी तक डेरिवेटिव के लिए पढ़ रहे हैं ना, अब हम अपनी सुई को उल्टा घुमाने वाले हैं। तो आ जाओ मेरे साथ साथ, लिखते जाओ, सीखते जाओ, पीडीएफ की चिंता नहीं करनी, वो सब तुमको मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स कभी भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो यहाँ पे अगर मैं अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, लेट्स स्टार्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला तुमको यहाँ पे बता दिया, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स हो तो एक बढ़ जाता है। लेकिन एक बात मुझे बताओ फटाफट से, इसका इंटीग्रल क्या होगा, जरा चैट सेक्शन में लिख दो फिर। अगर यही फॉर्मूला है, प्लस सी तो ऑब्वियस ही है, अगर यही फॉर्मूला है तो मुझे फटाफट से बता दो 1/x का क्या जवाब होगा। एवरीबडी जागते रहो, कम ऑन, जल्दी जल्दी बताते जाओ बच्चा लोग। यस, जो बच्चे पूछ रहे इज दिस फॉर जेई, वेरी मच फॉर जेई, आप बेसिक से सीखना चाहते हो यहाँ सीखो। देखो ये बहुत बढ़िया बात बच्चों ने लिख दी है, अ लॉट ऑफ यू आर गिविंग मी log mod x plus c, या जिसको आप ये भी बुला सकते हो ln mod x plus c। mod जरूर लगाना यार, वो सिर्फ इसलिए है कि आपका जो इनपुट होता है या डोमेन होती है log की, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है, समझ में आया। पर नेहा मैम इससे इसका क्या लॉजिक, इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन होता है बेटा n can not be equal to minus 1, वो डिफाइंड ही नहीं होगा। आप यहाँ पे देखो ना, x raised to power minus 1 लगाने बैठोगे तो ये तो minus 1 plus 1 upon minus 1 plus 1, ये तो जीरो आ जाएगा। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इसके लिए वैलिड नहीं होता, बाकी किसी भी नंबर के लिए चलेगा। चलो आई नो बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं हम, लेकिन अभी स्पीड पकड़ेंगे। मेरे को इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स पता करना है, फटाफट से लिखो, ठीक है। इंटीग्रल साइन एक्स, ये सारे मैं फॉर्मूला तुम्हें दिखा भी सकती हूँ, पर क्यों नहीं दिखा रही, ताकि तुम लॉजिक समझ समझ के पढ़ो। और इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स, जरा ध्यान से मुझे ऊपर वाले का जवाब चाहिए सबके सब। सोनम ने लिख दिया यार माइनस कॉस एक्स। अच्छा एक चीज अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, कॉस एक्स प्लस सी लिखूंगी ना तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है यहाँ पे, आई विल हैव टू पुट द माइनस साइन। हमेशा याद रखो, कभी कंफ्यूज हो जाओ ना लाइफ में कि मैंने इंटीग्रल सही लिखा या नहीं, तो जो आपकी राइट साइड पे आपने फंक्शन, दैट मीन्स द आंसर दैट यू गाइस हैव गिवन, जस्ट डिफरेंशिएटेड वंस, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमारे अंदर होती है, मतलब इट्स लाइक एम्बेडेड ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आपने कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया, वो माइनस साइन एक्स देता है, लेकिन मेरे को यहाँ साइन एक्स चाहिए, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। एंड वैसे भी समझ जाओ तुम्हारा इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, वो सारा कुछ उल्टा ही करेगा, ठीक है। ये चीज साइन एक्स आएगी अब इस बार, समझ रहे हो ना, आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, आपको कॉस एक्स मिल जाएगा। चमका चमका एवरीबडी, वी आर एब्सोल्यूटली क्लियर विद दिस, अमेजिंग सुपर, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सेट ऑफ उस पर जाते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड आपके फॉर्मूलाज करा रही हूँ, चाहो तो साथ साथ लिखते जाओ, लिख के ना बहुत सही रिटेंशन होती है दिमाग में, ठीक है। अब यहाँ पे बता दिया जाए बच्चों मुझे जवाब फटाफट से, कम ऑन मेरी आर्मी यार। इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आज के सेशन के बाद कोई भी बच्चा ऐसा नहीं छूटेगा जिसे इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता, ठीक है। इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स, बच्चा ऑफ कोर्स ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस और डिफरेंशिएशन है, इतना याद रखना, टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। सुपर्ब, कूल, गोइंग विद द सेम लॉजिक, को सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है, आई विल हैव टू पुट माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉट एक्स का यार माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स आंसर देता है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है। एवरीबडी क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए इसी तरह इंटीग्रल सीकेंट एक्स टैन एक्स,
मैं बिल्कुल बस ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे स्कूल में पढ़ाया करती थी ना कि भैया एक एक चीज समझा समझा के। चलिए ये भी सही है ना, सीकेंड एक्स, यस सीकेंड एक्स प्लस सी, प्लस सी आप जरूर लगा देना क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, जब अभी डेफिनेट पे आएंगे तो उसको और ज्यादा सही से लिखेंगे। सुपर, ठीक है, ऐसे ही आपको पता है बस अभी सी का एक भाई बहन है इंटीग्रल को सीकेंड एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, सबको ये चीज की क्लैरिटी आ गई है, एवरीबडी सुपर्ब है ना, झटपट झटपट, यस, अरे सुपर जॉब माय आर्मी, वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके कूल, आगे बढ़ जाते हैं। इंटीग्रल ऑफ, देखो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 1/x का क्या होता है, मेरे को फटाफट से इसका बता दो क्या होता है। जितने के जितने बच्चे यहां पर इस वक्त इस सेशन को देख रहे हैं सबसे मेरे को जवाब चाहिए, सबसे मेरे को जवाब चाहिए, ठीक है, यस यू गाइज आर एब्सोल्यूटली राइट। ई रेस टू पावर, मैं कहती हूँ ना लाइफ में यार ई रेस टू पावर एक्स की तरह बनो, चाहे आप डिफ्रेंशिएट कर दो उसे, चाहे उठा के इंटीग्रेट कर दो, वो सेम रहता है, उसकी वो डेडिकेशन विल पावर सेम ही रहती है, तो सीखने वाली बात है इससे। चलो कुल अब यहाँ पे छोटी मोटी और चीजें, जैसे कि 1/1 + x2, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो ना, देखो बहुत सही है, देखो मेरे को भी मोटिवेशन मिल रही है, तुम लोग जवाब दे रहे हो ना, बताओ अगर हम इंटीग्रल 1/1 + याद कर लो क्या होता था इसका, यहां पे मैं क्या लिखूं जिसको डिफरेंशिएट करके आएगा, बहुत सही टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, मजा आ गया, ठीक है। एंड यू गाइज नो अगर मैं यहां पे नेगेटिव साइन लगा दूंगी उसकी जगह तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये आप सीख के आए हो डिफरेंशिएशन में, है ना। सेम वे इफ आई एम गोइंग टू पुट यहाँ पे √1 - x2 dx, तो इसको मैं जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ। एंड मैं आज ना तुम लोगों को ट्रिक्स और हैक्स भी सिखाने वाली हूँ कि आप कैसे याद करोगे फॉर्मूलाज, जब कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे ना तो नेहा मैम और सिंपल सिंपल बढ़िया बढ़िया तरीके समझाती जाएगी उसको आसान करने के लिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, एंड जब बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। एंड डोंट वरी, ये सारा कुछ तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी है, तुम्हें फाइल में भी मिल जाएगा, जो पीडीएफ मिलेगी ना उसकी टेंशन लेने का नहीं, ठीक है जी, राइट एवरीबडी, कूल। एंड इसी का आसपास बस वन मोर कैटेगरी इज लेफ्ट बच्चों, ये जो आप लिखते हो ना, वी गाइज नो दिस इज गोइंग टू बी सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, एंड इसके साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा बेटा तो कुछ सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, चमक गया एवरीबडी, सारी एक्सरसाइजेज होंगी, बिल्कुल होगी, 1, 2, 3, 4 एनसीईआरटी इसीलिए मंगवाई है, तुम चिंता मत करो, ठीक है, दिस इज सॉर्टेड, दिस इज सॉर्टेड, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जाऊंगी, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, मेरे को ये बता दो ए रेस टू पावर एक्स डी एक्स, याद रखना इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, जो चीजें आप डिफरेंशिएशन में कर रहे थे इससे उल्टी होने वाली है यहां पे, ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चा आ जाओ, इसको क्या करोगे, देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, ए रेस टू पावर एक्स इंटू लोगे, तो यहां क्या करोगे, यहां क्या करोगे, अरे बहुत सही बहुत सही, ऑसम गाइज, यू गाइज आर सुपर, वहां पे तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे यहां पे तुम डिवाइड कर दोगे, सुपर बहुत ही आसान, चलो अमेजिंग, ये सब तो हो गया। अब यार तुमने चेन रूल जैसी खतरनाक चीज पढ़ी थी इंटीग्रेशन में, इफ यू लुक एट द टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल, तो देखो चेन रूल जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन नेहा मैम बोलेगी कि है, कैसे, क्योंकि मैं उसको आपको तरीका वो भी बताऊंगी याद करने का। अब समझो, सपोज बच्चों आपको मैंने बोला यार इंटीग्रल साइन टू एक्स डी एक्स बता दो, सबसे पहले तो अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना होता तुम्हें पता है ना, तुम कॉस टू एक्स इंटू टू कर देते, यहां पे पहले तो मैं वही करूंगी चेन रूल का वाला लॉजिक लगाऊंगी, आई विल गो टू द आउटर मोस्ट फंक्शन, साइन है तो यार हम बोलेंगे माइनस कॉस टू एक्स है, अब अंदर तुम गए, अब डिफरेंशिएट
तो नहीं करना। देखो डिफरेंशिएट किया था तो मल्टीप्लाई बाय टू किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो, ये रिवर्स प्रोसेस है तुम्हारे डिफरेंशिएशन का। समझ में आ गया? एक बात मुझे जरा बता दो, सबको समझ में आ रहा है, सबको स्पीड वगैरह सही लग रही है, स्पीड तुम चिंता मत करो, सब कुछ करेंगे, स्पीड सही लग रही है एवरीबडी, है ना? समझ में आ गया? मैंने क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया। कूल कूल, ठीक है। सो यही सारे फॉर्मूलाज अब फटाफट से तुमको दिखा दूं कहां पर दिख जाएंगे, यही सारे इंटीग्रेशन के तुम्हारे खतरनाक फॉर्मूलाज यहां पे सारे के सारे लगे हुए हैं, ठीक है। ये तुम्हारी, अरे आगे चल, हट, कम ऑन, ये देखो ये अटक गया है, वो बोल रहा है बच्चे लाइक करते रहे, प्यार दिखाते रहे, मैं आगे बढ़ूंगा वरना मैं अटक जाऊंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है बेटा। हम पेस पकड़ लेंगे, एक बार तुमको इंटीग्रेशन की ग्रिप मिल गई ना तो उससे डर लगना बंद हो जाएगा। चलिए ये चीज़ बहुत ईजी है, बहुत लॉजिकल है कि अगर आपने इंटीग्रेट करना है बहुत सारे फंक्शंस को, बीच में प्लस है या बीच में माइनस है, इट मींस द सेम कि आप हर एक को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर रहे हो, बिल्कुल डेरिवेटिव वाला तुम्हारा रूल है। ओके, इंटीग्रल ऑफ के टाइम्स एफ एक्स, मैंने पहले ही बोल दिया, देखो आप इंटीग्रेट क्या कर रहे हो, जो भी आपका एक्स में फंक्शन है ना, तो के का क्या काम, के बोलते हैं यार ये दुनिया, ये मेरे महफिल, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, उसको निकाल के बाहर फेंक दो, जस्ट थ्रो इट आउट मैन, एंड आप बाकी काम वैसे के वैसे करो, ठीक है। अब मेरे को एक सवाल पूछना यार तुम लोगों से, इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स क्या होगा, अगर तुमको लॉजिक समझ में आता है तो जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो ना, मतलब आज ये जिसने बढ़ा दिया ना मेरे को, मैं बता रही हूं, मैं बता रही हूं तुम्हें, एवरीबडी बच्चों जल्दी बताओ मुझे ये चीज, चलो चलो चलो, यस यस सुपर। यहां पे बच्चे क्या करते हैं ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की सॉलिड खिचड़ी बना देते, कई बच्चे गलती से जीरो लिख देते हैं, लेकिन मुझे यहां जान के बड़ा मजा आ रहा है कि मेरे बच्चे बड़ा सही जवाब दे रहे हैं, एक्स प्लस सी। अगर आपको कहीं भी शक हो, जस्ट यूज वन बेसिक रूल, क्या कि हम यार इसको डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, सही है, सही है, चलो वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू। अच्छा अब ये मिस्टर गारफील्ड के पास आने से पहले अपनी एनसीईआरटी निकालो, मैंने बोला ना एक्सरसाइज वाइज टाइप जाएंगे, नहीं भी है तो चिंता मत करो, नेहा मैम ने यहाँ पर ओपन करके रखी हुई है तुम्हारे लिए। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो सारे के सारे बच्चे, जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे से पहले, तुम लोग खोल के जरा ये देखो, ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ भी है, ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे पेज 290 पे है, ये पार्ट टू है बेटा बुक, ठीक है, सारे कुछ है, ये सब हमने कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, ठीक है, आ जाओ सबके सब, ये सब भी कर लिया है तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सरसाइज वन गाइज, एक्सरसाइज वन, जल्दी से मेरे को सबके सब ओपन करके और बता दो, यस मैम। अब हम मिलके सवाल करने वाले हैं, ये सब यार एक बार ही मैं आपको एक्सरसाइज करा दूंगी ना, एग्जाम्पल्स अपने आप कर लेना, कोई मुश्किल लगेगा एग्जाम्पल वो मैं फिर बता दूंगी। अरे भाई आजा, हाँ पेज 299 एक्सरसाइज 7.1 एवरीबडी ओपन योर एक्सरसाइजेज। अरे स्कूल की याद आ गई ना, स्कूल की याद आ गई ना बच्चों, देखो मैंने भी यहाँ पे ओपन कर लिया, अपनी नोटबुक तैयार है, नोटबुक तैयार है, करें खात्मा। तो हम क्या करेंगे ना बच्चों, अब यहाँ पे जैसे 22 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है 22 ही है ना, हाँ अब मैं तुमको सारा मेजर चीजें सिखा दूंगी, बाकी फिर तुम खुद कर लेना, है ना। चलिए आ जाओ मेरे साथ, डन डन डन, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस गाइस नाइस। ओके अब मैं आपको बोलूं इंटीग्रल साइन टू एक्स करो, अब भी हमने यही किया था, क्या लिखा था हमने, माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, तो ये तो हो चुका है बेटा, ये तो हो चुका है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ कॉस थ्री एक्स भी बिल्कुल सेम होने वाला है, ई रेस टू पर टू एक्स, जरा अगर मैं बोलूं इसको इंटीग्रेट करो आप क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू पर टू एक्स, मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या, अगर नहीं दिख रहा तो ये देख लो, इंटीग्रल ई रेस टू पार टू एक्स डी एक्स कैसे निकालोगे, आपको पता है ये तो सेम ही रहेगा। अब आप अपने दिमाग में सोचो यार, डेरिवेटिव होता तो मैं मल्टीप्लाई कर देती टू से,
सॉरी यहाँ डिवाइड कर दूंगी, खत्म खत्म, है ना जी, है ना जी, हो गया ये, हो गया ये, धीरे धीरे करके बेटे आगे भी बढ़ेंगे ना। बहुत सही, बहुत सही। चलो अब मैं आपको जैसे ये बोल दूँ तो आपने इसको अलग इंटीग्रेट करना है, इसको अलग इंटीग्रेट करना है, या चलो फोर्थ वाले पे आ जाओ, फोर्थ वाले पे आ जाओ, एक बार समझो इसको मैं इंटीग्रेट करने के लिए बोलूँ। अब आपके पास दो तरीके हैं, और एक चीज़ याद रखना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में यार हमारे आंसर्स थोड़े से डिफरेंट आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन किस मेथड से कर रहा है कई बार, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बोलूँ इसको करके दिखाओ, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसका यार ये ओपन करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, एंड आप हर एक उसको इंटीग्रेट कर दो बड़े प्यार से, साथ साथ कर रहे हो कि नहीं मेरे, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर तो यार कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, बी स्क्वायर कांस्टेंट है पर भगवान के लिए उसको जीरो मत लिख देना, इट्स इंटीग्रेशन इनटू एक्स आ जाएगा, टू ए बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, ये याद रख लो, अगर सी भूले तो पिटाई है, सी बोले तो पिटाई है, ठीक है। अब ऋषभ भी एक मेथड बता रहे हैं, ऋषभ बिल्कुल उसी मेथड पे आ रही हूँ, ठीक है। अब ये एक तरीका है, ये है आम जिंदगी। अब हम आएंगे और हम सीखेंगे मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है जरा समझ लो यार, ये एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है जी, ये एक लीनियर फंक्शन है। तो आपको पता है एक्स रेस टू पार एन डी एक्स क्या होता है, हमें पता है ना, एक्स रेस टू पार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी होता है, ठीक है। तो ये भी एक लीनियर ही है, इसको भी, इस पर भी मैं सेम फॉर्मूला लगा सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए एक्स प्लस बी टू प्लस वन थ्री ये, लेकिन यहाँ पे एक चीज है विच इज इनकम्प्लीट। यस कोमल, बहुत बढ़िया, देखो समझो, अगर ये डेरिवेटिव होता तो ये ए के साथ मल्टीप्लाई करते ना, अगर मैं डेरिवेटिव लेने को बोलती मल्टीप्लाइड बाय ए करते ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ क्या करोगे, डिवाइड करोगे ए के साथ, बस आपकी मर्जी, आपको रेड वाला अच्छा लग रहा है या ब्लैक वाला, दोनों आंसर आपके सेम है, मतलब सेम ही नंबर देंगे तुम्हें, समझ में आया है। हाँ ए भी आएगा लेकिन ए बेस में आएगा, यस शाबाश, ग्रेट ग्रेट, गुड जॉब माय आर्मी, बहुत खुशी हुई मेरे को। देखो अब ये भी एकदम ऐसे छुटके पुटके से सवाल है, ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ ये कर लो, अब जो बच्चे प्रोडक्ट रूल सोच रहे, प्रोडक्ट रूल नहीं सिखाऊंगी मैं प्रोडक्ट रूल अभी नहीं, इसको क्या करोगे, यू फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट गाइस, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आराम से जा रही हूँ ताकि हर एक बच्चा समझ पाए जो इस वीडियो पे आया है, ठीक है। आई एम जस्ट गोना ओपन दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स प्लस सी, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, हो गया, है ना। एंड फिर से बता रही हूँ यार, जेई वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है, हम टर्म टू के चैप्टर्स के साथ मैं ऐसे करवाना चाहती हूँ ताकि हर एक बच्चा सीख सके, बाकी सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट करवाने हैं आपको। जब हमारा संडे को जेई का सेशन होगा, मैं उसके अंदर अगले वीक का भी प्लान दे दूंगी कि हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं, ठीक है। चलो सही हो गया जी, वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे यार ऐसा कोई भी अब मेरे को नहीं लग रहा है, इसमें भी आप बस होल स्क्वायर को ओपन करो और फिर लगा दो। यहाँ देखो, इसको करने से पहले क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे ना यार, डिवाइड कर लो इसको, है ना, डिवाइड कर लो इसको, जस्ट डिवाइडेड, ये आ जाएगा एक्स प्लस फाइव, ठीक है, माइनस फोर हाँ जी अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, फोर अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं एक्स रेस टू पावर माइनस टू लिख सकती हूँ, क्योंकि बॉस मेरे को तो फॉर्मूला लगाना है, राइट गाइस, है ना। तो मैं यहाँ पे ओपन करूँ, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस फाइव एक्स माइनस, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आना, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। चमका जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, आई यू ओके नाउ, बस आपकी दुआओं का ये सारा असर है, चलो आ जाओ, मैं मच बेटर नाउ, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब इसी तरह ना हर एक को आप ओपन कर करके कर सकते हो। 18th क्वेश्चन पे आ जाओ और मेरे को फटाफट से आंसर लिख के बताओ, नेहा मैम भी तो ठोक पीट के देखेगी ना, समझ आ रहा है कि नहीं, अरे बच्चों को नहीं रहे सवाल को। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा,
व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू इज, कोई तो बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि 5x कैसे आया. बेटा 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है, x है, तो 5x आएगा. ठीक है, यहां पे जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट फर्स्ट, secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x. और हाँ यार, आज के सेशन के बाद एक बार ही कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना मैम, मजा आ गया. अगर तुम्हें सच में समझ में आ गया ना तो लिख के जरूर जाना. अब देखो, जैसे ही मैंने सेपरेट किया, दिस इज अ फॉर्मूला, ये आपको tan x देता है, ये क्या है, ये हमें secant x देता है, एंड दैट्स इट. द क्वेश्चन इज के डी एस, यानी कि किल्ड, डेड, स्लॉटर्ड. सुपर्ब सुपर्ब. मुझे नहीं लगता आप कोई भी ऐसा और सवाल है जो तुम इस एक्सरसाइज से नहीं कर सकते, है ना. आई सीरियसली डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे बच्चे अब नहीं कर पाएंगे इस एक्सरसाइज से. सो आई गेस वी आर इन अ गुड पोजिशन कि हम आगे बढ़ जाएं. ठीक है, ओपन कैसे करना है बेटा, मल्टीप्लाई किया है मैंने, कैसी बातें कर रहे हो. ठीक है ना, चलो इसको भी आपको पता है, डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद आंसर दे देना. इसको भी पहले सेपरेट कर लेना, 2 secant स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये भी देख लो एक बार, 20th भी. मेरा दिल भी 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स है ना, क्या 2 secant स्क्वायर एक्स dx. आप चाहो तो सेपरेट भी करके कर सकते हो, माइनस 3 टाइम्स sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो एक sin x बाय cos x आपको tan x दे देगा, दूसरा secant x दे देगा, है ना जी, हो गया जी, दिस इज डन. चलो अब बाकी सवाल यार आप अपने आप ट्राई करना, और मुझे अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा वो मेरे से फिर पूछ लेना. कैसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन के थ्रू. ठीक है, यस, चलो तो बस ये सवाल है आपके. अब एक्सरसाइज 2 जो हमारी बात करने वाला है, देखो अब ये हैं जो तुम्हारे मेन वाले क्वेश्चन, मेन वाले मेथड्स है जो हमको लगाने हैं. मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन हम सीखेंगे, क्योंकि सारी जगह तो आपसे इतने आसान सवाल नहीं पूछेंगे ना, कुछ तो फंडू भी सीखेंगे. सब्सटीट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, जो कमिंग अप नेक्स्ट में है. ठीक है, आ जाओ फिर, आ जाओ बेटा, पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. गाइज आर यू विद मी, आर यू विद मी. अब ये क्या आ गया नेहा मैम, अब ये कौन सी आफत है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये एक तरीका है. अब ना आप मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में देखो होता क्या है, हमें फंक्शन ढूंढना है, हमें फंक्शन ढूंढना है. दैट मीन्स आपका क्या होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होगा, आपको फंक्शन होगा, इनटू डेरिवेटिव होगा कहीं, मतलब कुछ तो उल्टा सीधी होंगी अब चीजें. ठीक है, या फिर हो सकता है यार डेरिवेटिव ऊपर हो लेकिन फंक्शन नीचे हो. ये सब क्या हो रहा है रे, हम क्या बोल रहे हो. ठीक है, या फिर ऐसा है कि फंक्शन कहीं तो घुचड़ मुचड़ करके छुपा हुआ है एंड उसका डेरिवेटिव दिख रहा है. मुझे हर हाल में क्या ढूंढना है, व्हाट डू आई हैव टू ढूंढो, फंक्शन, फंक्शन को सर्च करना है मैग्नीफाइंग ग्लास लेके. अच्छा, फंक्शन मिलेगा तो क्या करेंगे, फंक्शन मिलेगा तो प्लीज अंडरस्टैंड आई एम गोइंग टू पुट दैट एज अ न्यू वेरिएबल. ये सीखो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. आपने लेट किया, अब करने की क्या कोशिश कर रहे हो, आपको यार एक लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हमने अभी डिस्कस किया है. मेरे को अल्टीमेटली आई वॉन्ट टू डू दिस कि मेरे को जो भी कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है अपने स्टैंडर्ड फंक्शन में लाना है ताकि मैं इंटीग्रेट करके आंसर लिख सकूं, है ना, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू. तो जैसे ही मैंने एफ ऑफ एक्स को टी मिला, मैं दोनों साइड को, लॉजिक समझ लो, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो उससे ये तो आ जाएगा तुम्हारा एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा डी टी बाय डी एक्स. अच्छा जी, तो यानी आज से हम कसम खा लेंगे कि मेरा डी टी क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स. भाई साहब डांस करना बंद करो, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, ये आ जाएगा. जैसे ही ये हो गया, जैसे ही ये हो गया, जस्ट लुक एट दिस, ये तुम्हारी पहली वाली चीज क्या बन जाएगी, टी इंटू ये एफ डैश एक्स डी एक्स जो है ये क्या बन जाएगा, डी टी. ओ हो, यानी कि ये इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकती हूँ, एक्स डी एक्स की जगह टी डी टी पूछ लिया तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी. इसी तरह ये क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम, ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी, तो लॉग टी प्लस सी.
मतलब बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन में आप आ जाओगे जहां पे आप आंसर डायरेक्ट निकाल पाओगे. क्या ये चीज समझ में आई एवरीबडी? क्या ये चीज समझ में आई? नेहा मैम थोड़े से क्वेश्चंस कराओ तो आएगी, ठीक है? थोड़े से क्वेश्चंस कराओ तो आएगी. थोड़ा सा एक हेड्स अप दे दो मुझे, एक थम्स अप दे दो कि हल्का सा मेरे को आइडिया लग गया. यार ये कुछ फॉर्मूलाज हैं. अभी तक आप देखोगे मैंने इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स नहीं कराया था, कॉट एक्स नहीं कराया था, सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स, ये सब नहीं कराया था. क्यों नहीं कराया था? क्योंकि हम कर ही नहीं सकते थे. अब हम सीखेंगे इसे करना कैसे है, ठीक है? कैसे करना है? ज्यादा जोश में आ गई, अभी गला पूरी तरह ठीक नहीं है. इंटीग्रल टैन एक्स है बेटा, ठीक है? हमेशा याद रखना तुम्हारे डेरिवेटिव के साथ डीएक्स होता है, ठीक है? आई कैन राइट दिस एज साइन एक्स बाय कॉस एक्स. फंक्शन ढूंढो, फंक्शन ढूंढो, चलो चलो ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो ढूंढो मैग्नीफाइंग क्लास लेके. मैंने क्या करना है यार, इसके अंदर मैं अगर कॉस एक्स को कॉस एक्स को टी ले लूं, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, ठीक है जी? तो ये साइन एक्स डी एक्स है, इसको नॉर्मली हम क्या आई से डिनोट कर देते हैं. ये साइन एक्स डी एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस डी टी अपॉन टी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी. अब एक बच्चे जो गड़बड़ कर देते हैं ना, वो ये होता है कि इसके बाद सब्स्टिट्यूट करना वापस भूल जाते हैं. भूला, ऐसा नहीं करना, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? माइनस लॉग मॉड यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस सी. अब बस इसी की प्रॉपर्टी लगा दी है कि इस माइनस को ऊपर ले जाऊं, ठीक है? ये तो सिर्फ मॉडिफिकेशन है. कॉस एक्स रेज टू पावर माइनस वन, जो क्या हो जाएगा? वन अपॉन कॉस एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं लॉग मॉड सीकेंड एक्स प्लस सी. आपकी मर्जी है, आपको ये वाला अच्छा लगता है ये याद कर लो, ये अच्छा लगता है ये याद कर लो, लेकिन कर लो, लेकिन कर लो. समझ में आया? समझ में आ गया बच्चा एवरीबडी? हाँ बहुत सही, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं. एक बार ही ना बेटा ये बेसिक्स पकड़ में आ जाएंगे ना, बाकी सवाल अपने आप बनेंगे फिर, ठीक है? साइन को ले सकते थे? नहीं अश्मित, नहीं ले सकते थे. क्यों? क्योंकि जो आपका डेरिवेटिव है ना बेटा, वो ऊपर आएगा. ये डेरिवेटिव के साथ तुम्हारा डीएक्स होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखेंगे. कूल. इसी लॉजिक से द मोमेंट आई टेक दिस टू बी कॉस एक्स बाय साइन एक्स, मेरे को लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, और ये तुम्हें याद करने हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है? ऐसे इंटीग्रल सीकेंड एक्स इंटीग्रल को सीकेंड एक्स. अब तुमको ये बड़े अजीब लग रहे होंगे कि नेहा मैम ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए, ठीक है? अब हल्का सा आइडिया देती हूँ. मैथ्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो टिपिकल होती हैं, आपको एक तरीके से करनी होती हैं, फिर वो सॉल्व होती है. अब इंटीग्रल सीकेंड एक्स लेके बैठोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे. वन बाय कॉस एक्स ले लोगे, वॉट विल यू डू? नथिंग. तो आप क्या करते हो ना, ऐसे केस में सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो. सॉरी, ठीक है जी? बट द मोमेंट यू गाइज डू दिस, देखो इसको ओपन करोगे ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टैन एक्स, ठीक है? नीचे ही आ गया. अब जरा तुमको कहीं फंक्शन दिख रहा है? ढूंढो ढूंढो बच्चों, ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो फंक्शन ढूंढो. मैम फॉर्मूला के प्रूफ नहीं यार, फॉर्मूला के प्रूफ ऐसे नहीं आते. है सर इसमें पानी है, थैंक्स. बड़ा दवाई वाली स्टेज जा चुकी है, अब तो दुआ वाली स्टेज है. दवाई तो खा ली जितनी खानी थी, ठीक है? यस, द मोमेंट यू टेक दिस एज टी, जैसे ही आपने सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स को टी लिया, ठीक है? जैसे ही आपने टी लिया, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड एक्स टैन एक्स. एंड टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओ हो हो हो, यही तो है ऊपर. ओ ओ, समझ रहे हो ना? तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? डी टी बाई टी, जो आ जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी, एंड दैट्स हाउ आई एम गेटिंग दिस आंसर. तो तुमको प्रूफ, अब कई बच्चे बोलेंगे मैम प्रूफ क्यों करा रहे हो, प्रूफ थोड़ा ना पूछते हैं, ठीक है? बट तुम्हें समझ भी तो आना चाहिए ना, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो. आई यू गॉट इट? आई यू गॉट इट?
डिड यू गेट इट राइट? अब इसी लॉजिक से ना हम ऊपर नीचे इसमें कुसी के नेक्स्ट माइनस कॉटेक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. तुमको ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, ठीक है? तुमको ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, समझ में आ गया? प्लस सी नहीं लगाएंगे, लगा तो दिया यार, लगाएंगे लगाएंगे बिल्कुल लगाएंगे. आप नहीं लगाएंगे तो एक थप्पड़ लगाएंगे हम, ठीक है? चलिए, सो दिस इज सॉर्टेड पीपल. अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके जा रही हूँ, ठीक है? अब मैं आपको ये सी एस सी नहीं लिखा बेटा, सी एस सी लिखा है, विच इज कोसेक, शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी. चलिए अब मैं आपको लेके जा रही हूँ फिर से क्वेश्चंस के पास. क्वेश्चंस के पास जाएंगे, क्वेश्चंस में ना आएंगे. 7.2 पे आ जाओ बेटा सबके सब. 7.2 एक्सरसाइज ओपन करके नेहा मैम को बोलेंगे मैम डन, और पेज नंबर भी लिख दो यार. आ गया आ गया, आ जा बेटा, राजा बेटा. कहाँ गया? पेज 304, पेज 304 पे आ जाओ सबके सब, आ जाओ सबके सब, और मिल के मचाएंगे, आग लगाएंगे, ठीक है? अरे यार कोई बात नहीं, पढ़ाई शुरू भी कर रहे हो टेंशन मत लो, मेरे साथ पढ़ते जाओ, ठीक है? चलो गरम चाय जो है ना वो आइस टी बन गई है. चलिए अब यहाँ पे ए शैतान रुक जा, मेरे को बता दो एक बार यार, इसके अंदर फंक्शन कहाँ है? फंक्शन कहाँ है? फटाफट से ढूंढ के बताओ, ढूंढ के बताओ फंक्शन कहाँ है. सबके सब लिखेंगे चैट सेक्शन में. देखो अगले टॉपिक पे हम तब जाएंगे जब आप यहाँ पे 3000 लाइक करेंगे. चलो बताओ. बिल्कुल बहुत सही, फंक्शन तुमने ढूंढ लिया. देखो ऐसे ना क्वेश्चंस धीरे धीरे करके इतने रिडंडेंट हो जाएंगे कि तुम देखते ही उसका आंसर लिख दिया करोगे, ठीक है? पर अभी हम सीख रहे हैं ना तो थोड़ा धीरे जा रहे हैं. आप 1+x² को t ले लो तो ये 2xdx dt हो गया, ठीक है? सो दिस विल बिकम dt/t, यानी कि log mod t+c. अगर जो बच्चा यहाँ इस पे छोड़ के आएगा वो नेहा मैम के हाथ का एक थप्पड़ खाएगा. बिल्कुल नहीं करना ऐसा. यहाँ पे आप वापस रिप्लेस करोगे और अपना आंसर दोगे log mod 1+x² + c. समझ गए? समझ गए राइट एवरीबडी? चलो जी सुपर सुपर, आ जाओ यहाँ पे करो. मैं थोड़े थोड़े कराऊंगी ना, बाकी तो तुम भी तो करोगे ना ट्राई, है ना? चलो यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन 3 पे बताओ मेरे को. नेहा मैम मिल ही नहीं रहा, क्या लूटी क्या लूटी, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा. सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा मेहनत करो, क्या हो रहा है देखो. कैन आई राइट दिस एज, मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँ. अब बेटा देखो पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन तुम्हारी ऐसी है कि तुमने मैक्सिमम चीज को सिंप्लीफाई करना है. तो अब log x को t लो तब भी उसका डेरिवेटिव 1/x है. अब 1+ log x को t लो तब भी उसका डेरिवेटिव dt है. चमका ये चीज, x log x नहीं बेटा 1+ log x. अब ध्यान से देखो, ओ स्मार्ट हाँ. अगर मैं 1+ log x को बेटा t ले लूं तो इसका डेरिवेटिव देखो, 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, ये क्या हो जाएगा 1/x dx is dt. ये आ जाएगा dt/t जो बन जाएगा आपका log mod t+c. यार बड़े दिन बाद इतना लंबा पढ़ा रही हूँ तो गले का बैंड थोड़ा बजेगा, ठीक है? log mod t+c. अब t की जगह आप वापस डालोगे वैल्यू, ये क्या बन जाएगा log of mod of 1+ log x plus सी. अगर ये समझ में आ गया है तो एक स्माइली चैट सेक्शन में मिल जानी चाहिए. यस यहाँ पे ना मेरे से कई सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम जैसे आप ये कर रहे हो वैसे ही आप सारे चैप्टर्स करोगे. बिल्कुल करेंगे ना यार. एंड जेई के बाकी चैप्टर्स तो नॉर्मली करते जाएंगे, लेकिन जो टर्म 2 के चैप्टर्स हैं ना उनको मैं सोचूं ऐसे करवाऊं, पहले एनसीईआरटी से कराऊं, फिर सैम्पल पेपर PYQs के सवाल कराऊं और फिर जेई के क्वेश्चंस कराऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको नहीं अभी आते चैप्टर्स, ठीक है? कूल नाइस आई लाइक इट. चलो आ जाओ अब. और अब देखो जितनी मर्जी परेशानी आ जाए टेंशन लेने का नहीं देने का.
यहाँ पे आओ जरा बताओ मुझे, मेरे को अब खुद सोच के बताओ किसको टी लूँ, किसको टी लूँ। आई एम डीलिंग विद द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। चलो चलो, आई एम डीलिंग विद द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। अब एक चीज़ मेरे को समझ में आती है, मैं साइन को ले लूँ या मैं कॉस वाले टर्म को ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स माय चॉइस। ठीक है, अगर मैंने इसको टी ले लिया, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होंगे। मैंने इसको टी ले लिया सपोज, ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी को टी ले लिया, तो आपका क्या आएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान से देखो, डी एक्स इज डी टी नहीं, यहाँ ए भी आएगा बच्चों, किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, सो यानी कि ये वाला जो है ये 1 बाय ए देगा मुझे। अच्छा, तो 1 बाय ए तो बाहर आ गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी ये टी यहाँ रह गया डी टी। ठीक है, सो 1 बाय ए टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, अरे साइन लिया था, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इन केस आप लोगों ने कॉस ए एक्स प्लस बी को टी लिया तो उस केस में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना, एंड माइनस वन बाय टू ए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, वो भी एक्सेप्टेबल आंसर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल खोल के जिसको मर्जी टी लो। ठीक है राकेश, आप बिल्कुल इन टॉपिक्स को एनडीए के लिए यहाँ से पढ़ो, उसके बाद एनडीए की पास्ट ईयर क्वेश्चंस की और सुपर 30 सीरीज जो मैंने करी थी उसकी पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। तो इंटीग्रेशन पहले यहाँ से पढ़ो, उसके बाद वहाँ से पीवाईक्यूज लगा लेना, यू आर सॉर्टेड। ठीक है, चमक गया सबको, वेरी शाबाश, वेरी शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है यार, ये लो कॉस एक्स को टी ले लो, यही तो होता है, ढूंढना पड़ता है। कॉस एक्स को आपने जैसे ही टी लिया, ये साइन एक्स जो है ये क्या हो गया, ये माइनस डी टी हो गया, लेकिन ये क्या बच जाएगा, साइन टी डी टी। तो थोड़ा मजेदार है सवाल, है ढूंढना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेंगे फंक्शन, तभी तो कही थी ढूंढो ढूंढो रे, समझ रहे हो। चलो आओ थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, एट्थ क्वेश्चन पे आओ। ये आप बिना सब्सटीट्यूशन के भी कर सकते हो यार, लीनियर फंक्शन की तरह, इसमें टेंशन मत लो। यहाँ एट क्वेश्चन बताओ, एट कैसे करोगे, एट क्वेश्चन कैसे करोगे, अरे टेंथ पे भी आ रहे हैं मेरी जान, रुक जा थोड़ा सा, एट बताओ जल्दी से बता दो बच्चों, गर्म पानी अपने साथ रखा है। अब देखो इसके अंदर, ध्यान से देखो, आप पूरे इसको टी ले लो, ठीक है, पूरे इसको टी ले लो 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को, सॉर्टेड है जी, आ जाओ फिर। तो आपने जैसे ही खाली, आप एक्स स्क्वायर को भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर माय आइडिया है कि जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो एक ही बारी में कर दो, एक ही बारी में कर दो। तो 1 का डेरिवेटिव 0 है, 2 का 2 रखा, ये क्या हो जाएगा, ये आपको दे देगा 4x dx is dt, ओहो, तो ये x dx जो है तुम्हारा dt बनने के लिए तैयार है। इंटीग्रल क्या दे देगा मुझे, 1 by 4 root of dt। जल्दी से लगा दो बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरे को x square को टी लो, कईयों ने बोला 2x square को लो, मैंने तो एक ही बारी में छक्का मारा, मैंने पूरे 1 plus 2x square को उठा के टी ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब टी रेस टू पर हाफ है बेटा ये, तो ये क्या बन जाएगा, टी रेस टू पर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी, यानी कि टी रेस टू पर 3 बाय 2, ठीक है, अपॉन 3 बाय 2 तो वो इंटू 2 बाय 3 हो जाएगा प्लस सी। बस जी, यहाँ नहीं छोड़ना, आप टी को वापस रिप्लेस कर देना, टी को वापस रिप्लेस कर देना। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम क्वेश्चन 7 करा दो, क्वेश्चन 7 को यार आप चाहो तो इसको टी लेके कर सकते हो, चाहो तो इसमें बहुत सॉलिड वाला सीधा जुगाड़ लगा के भी कर सकते हो, अभी बता दूंगी आगे, पहले ये समझ लो, सीधे सीधे वाले कर लो। ठीक है, सीधे सीधे वाले समझ में आ रहे हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा फटाफट से बताओ मेरे को, इसमें क्या करूं, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करें हम, नाइन्थ में हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, बताओ 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 बताओ,
एंड मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। हाँ यहाँ देखो, इस पूरे को टी ले लो, इस पूरे को टी ले लूँ। देखो अब होगा क्या, द मोमेंट यू टेक दिस एस टी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एस टी, एंड जितना मैं आगे पढ़ाऊंगी ना बच्चे हुए क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वरना मेरा ये एफर्ट सारा वेस्ट है, समझ रहे हो ना। खुद रिविजन भी करनी पड़ेगी, बाकी के सवाल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। रूट वाले को टी ले लिया, ये मेरे को क्या देगा, टू एक्स प्लस वन डी एक्स इज डी टी। ओए शैतान, लो जी बात बन गई, लो जी बात बन गई। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, आपका 2x प्लस वन ही बचेगा, यानी ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट टी डी टी। कर सकते हो इसको इंटीग्रेट, नो टेंशन, नो टेंशन, राइट राइट, समझ में आ गया, वेरी नाइस। अच्छा नेहा मैम, ये तो समझ में आ गया, टेंथ कैसे करोगे? ओ भाई साहब, टेंथ कैसे करने वाले हैं हम, जरा थोड़ा सा बता दो, जरा थोड़ा सा बता दो टेंथ कैसे करने वाले हैं, एंड फटाफट से 3000 लाइक करो, ये मैं खेलूंगी नहीं वरना। कर दिया नंदिका, डोंट वरी अभी करते हैं। यहाँ देखो मेरे को नहीं दिख रहा, लेकिन आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड वन थिंग कि मैं यहाँ, अच्छा कई बच्चे कह रहे हैं रैशनलाइज, अरे करने का ही नहीं है वो सब। हाँ कई बच्चों ने कहा मैम रूट एक्स को कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे मैं नीचे रूट एक्स को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच रहा है, रूट एक्स माइनस वन। ओ हो, यहाँ पे क्या हो रहा है ज़रा देखो बेटा, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे फिर चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये देखो अगर मैं इसको टी ले लूँ, समझो रूट एक्स माइनस वन एस टी, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, अब ये मत पूछना कैसे, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, डी एक्स इज डी टी, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना डी एक्स अपॉन रूट एक्स, तो ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स क्या आ गया, टू डी टी, तो ये आ जाएगा टू टाइम्स डी टी अपॉन टी, आहा log mod t plus c, वाह वाह, एवरीबडी समझ में आया, बच्चा समझ में आ रही है ये चीज, यस एवरीवन, वी आर सॉर्टेड। चलो जी बहुत बढ़िया, ओके इसको देखो कैसे करने वाले हो। अरे 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 कहाँ जा रहे हो भाई साहब आप, आराम आराम से करा रही हूँ मैं भी, कोई जल्दी नहीं भाग रही, ये लो। पर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पे तो यार तुमको ट्राई करना पड़ेगा, सब कुछ थोड़ा ना नेहा मैम ऐसे स्पून फीड करा देगी ना। चलो आओ बताओ बताओ बताओ, यहाँ बताओ। ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना नेहा मैम, इसको कैसे करेंगे अब समझो, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। देखो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा क्या है ये, इसी को टी लेने का फ़ायदा है, लेकिन मैं इसका डेरिवेटिव कहाँ से लाऊँ, मैं डेरिवेटिव कहाँ से लगाऊँ, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी एक्स क्यूब माइनस वन, अब बड़े ध्यान से देखना, मज़ेदार चीज़ करूँगी मैं, x रेज टू पावर 5 को ऐसे भी तो कर सकते हैं। नेहा मैम हमको सपना आएगा ऐसे करना है, नहीं सपना नहीं आएगा, इसको कहते हैं प्ैक्टिस करना, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट एट इट, ये मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन नेहा मैम ने 2 दिन कराया हम तो जी प्रो बन गए, नहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे झूठ भी नहीं बोलूंगी कि ओ बस एक सेशन देखो और तुम हलवा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको टी ले लूँ, गॉट इट, ठीक है। अब मैं अगर इसको टी ले लूँ, धीरे धीरे सिखा रही हूँ, ये क्या बन जाएगा, 3x square dx is dt, ठीक है। यानी ये चीज तुम्हारी 1/3 ऑफ dt हो रही है, समझ में आ रहा है, राइट। सो मेरे इंटीग्रल को क्या होगा, x cube माइनस वन को तो मैंने t ले लिया, t raised to power 1/3, x cube का क्या करूं, यहां से लिखो ना यार, t plus 1 हो जाएगा, ओके। एंड x square dx क्या बन जाएगा, 1/3 ऑफ dt, समझे इनिया, पहले बेटा इस पे फोकस कर लो, उस पे भी आ जाएंगे,
समझ गए? अब इसको कैसे करोगे, ब्रैकेट ओपन करने का और फिर फॉर्मूला लगाने का, तो 1/3 को तो बाहर ही रहने दो। ब्रैकेट ओपन किया मैंने, 1/3 प्लस 1, ये आ रहा है टी रेज टू पावर 4/3 प्लस टी रेज टू पावर 1/3। अब आप इसमें वो इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर एन, क्या होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, वो वाला फॉर्मूला लगाओगे। एंड सी नेहा मैम, मैं हर कॉम्पोनेंट के लिए लिखूँ? नहीं, एक बार एंड में लिखो ना, सारे कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर दिया हमने, ऐसा मान लेंगे। चलो समझ में आ गई ये चीज, समझ में आ रही है ये चीज बेटा, हो रही है? एक बार थम्स अप दे दो, समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, कूल, गुड गुड, ओके। अब इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। देखो इसमें आप डायरेक्ट ऐसे करो ना, अपॉन 2 प्लस सी, इसमें कुछ सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ मत करो। यहाँ देखो, यहाँ में अगर पूरे तुम्हारे 9 माइनस 4x स्क्वायर को t ले लूँ, है ना, कांस्टेंट हम संभाल लेते हैं, हमें मेन फंक्शन चाहिए होता है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 8x dx is dt। तो मुझे पता है ये x dx is taken care of, ये क्या बन जाएगा, माइनस 1/8 dt by t। बेटा कोई भी तुमको YouTube पे इतने प्यार से हर एक एक्सरसाइज नहीं कराएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नाइस। यहाँ देखो इसमें क्या करूँ, मैं इसमें क्या करूँ, धीरे धीरे आ रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, धीरे धीरे करके आ रही हूँ। हाँ जी बताइए बताइए ना, जल्दी से बता दो बच्चों, ये भी तो बता दो ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या है ना, फंक्शन तुम्हारा छुपा हुआ भी हो सकता है। ये लो एक्स स्क्वायर को टी ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2x dx है ना, ये बस, ये क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस टी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस टी। डिफ्रेंसिएशन होती तो मैं मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 करती, यहाँ मैं डिवाइड बाय माइनस 1 कर दूंगी, बात तो एक ही है। ठीक है, बात तो एक ही है, ठीक है राइट राइट। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब कुछ बच्चे यार बहुत देर से बोल रहे हैं इलेवेंथ, इलेवेंथ में कुछ नहीं है। अरे इलेवेंथ से मत घबराओ यार, इलेवेंथ में कुछ भी नहीं है। एक ट्रिक सिखाती हूँ, अगर आप वैसे करना चाहते हो, इसमें प्लस 4 माइनस 4 कर दो, ठीक है, और फिर इसको सेपरेट कर दो, ये आ जाएगा x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4, यानी रूट ऑफ x प्लस 4। डायरेक्ट इसमें x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेना, माइनस 4 अपॉन 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। कई बच्चे बड़ी देर से परेशान हो रहे थे कि मैम ये छुड़वा दिया आपने, ये कैसे करेंगे, लो कर लो, जरूरी नहीं है हर चीज में सब्स्टिट्यूट ही करना होता है। ठीक है, दिस इज सॉर्टेड जी। चलो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश मेरी आर्मी। आओ बेटा आओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 18th बताओ। चलो लेकिन हमें भी कोई जल्दी थोड़ी ना, हम आराम आराम से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। ये देखो यहाँ कोई तो बच्चा है जो बोल रहा है आपकी हाइट कितनी है, बताइए बताइए। ये बेटा सवाल ना आपके जेई में आएगा ना टर्म टू में आएगा, तो इसलिए यहाँ फोकस कर लो। मैंने तो जितना बढ़ना था बढ़ गई, अब तुम बढ़ो और अच्छे से पढ़ो। चलो आओ, टेल मी समथिंग गाइज, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर, क्या लूँ मैं, क्या लूँ मैं, व्हाट शुड आई टेक द फंक्शन टू बी। वेरी कूल, बच्चे कह रहे हैं मैम टैन इनवर्स एक्स को आप टी ले लो, ठीक है, सो डेरिवेटिव यहीं पे है, तो ये ई रेज टू पावर टी डी टी बन जाएगा। देखो कितना नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा सवाल बन जाएगा, आप कर लेना। हाँ चलिए ठीक है, डन है, सुपर। चलो मेरे को 19th बताओ यार कैसे करोगे। हाँ ये थोड़ा सोचेगा, हम बताइए 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 कैसे सोचें।
बता दो ना, जल्दी से बता दो बच्चों, थोड़ा सा तो सोचो ना। मैं आपको बता रही हूँ, इंटीग्रेशन से अक्सर बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मेरे को तो पहली पहली मैं सेशन अटेंड कर रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा नेहा मैम कि कैसे किसको क्या अज्यूम कर लो एट टाइम्स। पता है वो सब प्रैक्टिस से आता है, और जब एक बारी आपको प्रैक्टिस करने की आदत लग जाती है ना, आपको लत लग जाती है। आई फेल इन लव विद मैथ विद इंटीग्रेशन, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी। उसके बाद ये होता था कि मैं सुबह से रात तक म्यूजिक लगा के इंटीग्रेशन ही सॉल्व करती रहती थी। सो इट टेक्स टाइम, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ करो उसे, मजा आएगा। कई बच्चे कह रहे हैं रैशनलाइजेशन, हाँ। कई बच्चे कह रहे हैं डिवाइड बाई रेज टू पावर एक्स। अब ऐसे सवालों को ना हमें हमेशा मार्क कर लेना चाहिए कि इसमें कुछ डिफरेंट सोचा था मैंने। अगर इफ़ यू आर डिवाइडिंग योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद ई रेज टू पावर एक्स, देखो ये क्या हो रहा है, ई रेज टू पावर एक्स, वन अपॉन ई रेज टू पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने ऊपर नीचे क्या किया, डिवाइड किया है। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ नेहा मैम, ऐसा करके क्या मिला मुझे, देखो देखो तो सही। ये टी अगर ले लो आप, है ना, इसका डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू पार एक्स, ई रेस टू पार माइनस एक्स का, ये लो जी सिर्फ इतना बन जाएगा। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत इजी हो गया, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हाईलाइट करो कि तुमने कुछ इसमें डिफरेंट सोचा। ठीक है, ठीक है, ये तो अब साफ ही है, आपने डिनोमिनेटर को टी लिया, ऊपर न्यूमरेटर डी टी है, तो ज्यादा सोचने का नहीं है। अब देखो इसमें क्या सब्सटीट्यूट करोगे, अगर मैं आपको बोलूं 21st करो, कई लोग इसमें क्या करते हैं 2x माइनस 3 को वो करते हैं, टी ले लेते हैं। क्यों क्यों काइकू, ऐसा नहीं करो। एंड कई बच्चे मैं आपको बताती हूँ ये भी कर देते हैं यहाँ पे कि टैन स्क्वायर एक्स का, बड़ी मजेदार गलती होती है ये। कई बच्चे ये आंसर भी लिखते हैं, क्या ये सही है? इसको भी छोड़ो, ये बताओ मेरे को टैन स्क्वायर एक्स का, एम आई राइट व्हेन आई से दिस, यस या नो इन द चैट सेक्शन, जरा स्पैम कर दो यस या नो। हाँ जी, कई बच्चों ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। चलो चलो बताओ मुझे, ये तो मैं जवाब तुमसे जानना चाहती हूँ। नो नो नो, क्यों? क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला आप लगाते हो ना बेटा, ये आप लगाते हो लीनियर पे, एक्स रेस टू पार एन वाली जो फॉर्म होती है ना वो लीनियर होती है। तो ऐसी गलती कतई नहीं करना। तो मैं तुमको ना साथ साथ ये मिस्टेक्स भी बताते हुए चलती हूँ जो बच्चे करते हैं, ठीक है ना? ना ना ना, अच्छा तो फिर कैसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे तो कैसे करोगे बताओ मेरे को, नहीं बता दो अब तुम लोग बता दो। इंटीग्रल टैन स्क्वायर एक्स को यार मैं ऐसे लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, हाँ जी नेहा मैम लिख सकते हो। अब कुछ बच्चे आप में से पूछेंगे क्यों लिख रहे हो ऐसे, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टैन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, आया कि नहीं? अच्छा, यही लॉजिक मैं 21st में लगाऊं तो मेरे को सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा। आई कैन फर्स्ट राइट इट दिस वे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टैन ऑफ 2x माइनस 3, अच्छा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस सी। हो गया है अपना सवाल सजना, चलो सही है, सही है जी, चमका कि नहीं एवरीबडी, चमका कि नहीं? यस माय आर्मी, सुपर्ब सुपर्ब, ठीक है समझ में आ गया। तो जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन के अंडर एक्सरसाइज दिया तो हर सवाल सब्स्टिट्यूशन से होगा, कुछ भेजे से भी होगा, है ना, कुछ कॉमन सेंस से भी होगा। कूल 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 कूल, ये सब बेसिक वाली चीज़ें ये आप खुद करेंगे 24th। कई बच्चे 24th कह रहे हैं 24th में क्या है बताओ मेरे को, बताओ मेरे को कैसे करने वाले हो। देखो टेंशन मत लो, अगर आज लगा कि सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कल कर लेंगे,
उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपने जैसे इसको टी लिया, ऊपर है वो, ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा है, ठीक है। तो कर लेना, 6 cos x प्लस 4 sin x as t अगर मैंने लिया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 6 sin x प्लस 4 टाइम्स cos x dx इज dt। तो अगर आप 2 कॉमन ले लो, ये ऊपर ही है, माइनस 2 कॉमन ले लो, है ना। बस जी कुछ है ही नहीं, बस जी कुछ है ही नहीं। और बताओ ये क्या है, ये कैसे होगा। कई बच्चे सोचेंगे 25th कैसे करना है मैम, 1 अपॉन cos square x क्या होता है, secant square x। अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ दो, अब बताओ क्या करूं मैं, अब बताओ क्या करूं मैं, जल्दी जल्दी जल्दी। यानी यहाँ पे मेरे को अभी तक 3500 लाइक नहीं दिख रहे, गंदी बात करेंगे हम, गंदी बात नहीं करेंगे हम बिल्कुल। यहाँ पे आप अगर इस पूरे 1 माइनस टैन एक्स को टी ले लेते हो तो सीकेंट स्क्वायर एक्स अपना ऊपर है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे आप साइन टू एक्स को टी ले लो, दिस विल बी टेकन केयर ऑफ। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को टी ले लो, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, 29th बता दो बेटा, बच्चे कह रहे हैं 34। अरे बेटा पहुँचने तो दो वहाँ पे, अभी तो 29th पे हैं, 29th पे हैं अभी तो बेटा, ऐसे मत करो। बताऊंगी, वो सारे टिपिकल सवाल है, पहले इसमें बताओ क्या करूँ। सर क्या करें इसमें, यस इसमें आपने जैसे ही कॉटेक्स को टी लिया, समझ ना, वो क्रीम वो ला दो यहाँ ना, लाइट से बहुत हो रहा है। कॉटेक्स को ना अगर मैंने टी ले लिया तो कॉटेक्स का हमको याद है ना डेरिवेटिव क्या है, अयो उल्टा उल्टा उल्टा, सॉरी 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 बच्चों, लॉग साइन एक्स को अगर हमने टी ले लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉट एक्स डी एक्स, है ना। हाँ तो ये आ जाएगा टी डी टी। ये कितनी छुटकी सी क्वेश्चन है ये, हाँ जी कॉट एक्स को टी नहीं बेटा, लॉग साइन एक्स को टी, ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें। चलो आ जाओ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 32nd और 33rd क्वेश्चंस थोड़े से हटके हैं, 32nd और 33rd क्वेश्चंस थोड़े से हट गए हैं, पर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बताओ मेरे को कैसे करोगे, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, ये 32nd क्वेश्चन है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, तुम ही बता दो कैसे होगा इसका, ये तो सर ही बता देंगे। कैसे करो इसको इंटीग्रेट, वो वाला दे दो सर, कह रहे करना ही क्यों इंटीग्रेट, हाँ नहीं वो वाला वेन यू, हाँ ये चलो बताओ, इसको कॉस और साइन में चेंज कर दो बस, बाकी मामला सेट है अपना। अरे यार ये क्या हो गया, बस बोला नहीं आपने, है ना। यस बेटा, 1 प्लस कॉट एक्स को टी लेके मेरी जान जाओगे कहाँ पे, सोचो भी तो सही आगे क्या करना है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अरे उल्टा, हाँ एक ही बात है, सही था। देखो कॉस एक्स बाय साइन एक्स हो जाएगा ना, तो ये ऊपर एलसीएम की तरह चल जाएगा। अब क्या करोगे लेकिन, अब क्या करोगे लेकिन, बताओ बताओ सोचो, ऐसे ऐसे नहीं, साइन एक्स को सर टी पुट कर दोगे, उसके बाद क्या करोगे। इसको ना स्टार मार्क कर लो, 32nd 33rd क्वेश्चंस थोड़े से हटके हैं, सोचिए। जो बच्चे पूछ रहे हैं जेई के लिए क्वेश्चंस कब होंगे, बेटा मैंने ऑलरेडी शेड्यूल शेयर कर दिया, संडे को होंगे। पहले हम पूरा सारा बेसिक से ये चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद तुम्हारे जेई के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये हटके क्वेश्चन है। देखो
अब आपने जैसे कई बच्चे कह रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू, अभी हमको सपना आएगा, नहीं नहीं आएगा, लेकिन पहली बार हमें ऐसे क्वेश्चंस को समझना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ये क्यों किया मैंने, ये क्यों किया समझ लो, टू साइन एक्स को मैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकती हूँ। अब देखो या झकास, क्या चीज करने वाले हैं हम, या झकास, देखो जरा यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ हाँ कि ना इन द चैट्स। देखो cos x कट रहा है, मैंने एड एंड सब्ट्रैक्ट cos x कर दिया, 2 sin x है, ठीक है। अब सेपरेट कर दो इसे। ओ नेहा मैम, ये तो क्वेश्चन खतरनाक है। सेपरेट कर दिया, समझ लो अब ध्यान से, एक बार समझ लो बेटा ध्यान से, ये टिपिकल सवाल है, इन्हें मार्क करके चलना है, ये आएंगे तो ऐसे उठा के आ देंगे, आ जाएंगे। और अब तो तुम्हारा टर्म टू के उससे पता चल गया कि सब्जेक्टिव टाइप सवाल आ सकते हैं। चलो अब क्या करेंगे ना बेटा, वंस यू आर डन विद दिस, अब ये तो तुम्हारा वन बच गया है, ये तो तुम्हारा वन है, वन को तो तुम ऐसे करके उड़ा दोगे, ये तो तुम्हारा एक्स ही दे देगा तुम्हें इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स। यहाँ क्या करूँ, इसको कैसे इंटीग्रेट करूँ, यस इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को टी ले लूँ तो न्यूमरेटर इसका डी टी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं टी ले लूँ तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस टी डी टी बन जाएगा, अरे नहीं उल्टा बन जाएगा, माइनस वन बाय टी डी टी बन जाएगा, यानी माइनस लॉग मॉड टी। अब तक तो आपको ये चीज़ रट गई होगी बेटा, जिसके डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसका आंसर लॉग में आ जाता है, तो माइनस लॉग मॉड में टी को वापस डाल रही हूँ, थोड़ा सा हटके सवाल है तभी इसको स्टार मार्क कर दो। टैन एक्स बाय टू को टी नहीं पुट कर सकते बेटा, नहीं कर सकते, उससे आगे करोगे क्या फिर, ये भी तो सोचो आगे करोगे क्या। थोड़ा सा टेढ़ा था, चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। 33rd क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर है टैन के टर्म्स में, उसमें भी साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करोगे, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करोगे एंड इसी तरह स्प्लिट करोगे। कूल cool? समझ में आ गया, सारे टिपिकल सवाल करा रही हूँ तुम्हारे। 7.2 चलो सामने ही ओपन कर लेती हूँ, इसके बाद के क्वेश्चंस ना थोड़े से लंबे हैं, ठीक है, थोड़े से लंबे हैं, ठीक है। चलिए 34th, कई बच्चे कह रहे हैं 34th भी समझ लो, 34th भी थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है। चलिए आइए, चलिए आइए, बताइए हमें, ये मेरे को देखना है कितने बच्चे इसको करेंगे बेटा। एंड देखो हिम्मत तो आपको रखनी पड़ेगी अच्छे से, कैसे करने वाले हैं। अब इसमें बहुत सारे दिमाग में ख्याल आ सकते हैं, ये भी एक टिपिकल टाइप का सवाल है, इसको यार अपनी एक नोटबुक बना लो और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। यस अब यहाँ पे हल्का सा हटके प्रोसीजर होने वाला है, आप डिवाइड करने वाले हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से, थोड़ा सा हटके ये है, इसी को हम कहते हैं टिपिकल सवाल। अगर आप ऐसे करते हो तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी से होता है, ये नहीं हम कैसे करेंगे, यही चीज़ें हमने मार्क करके चलनी होती है, ठीक है। अब आपने जैसे किया, नाउ आई एम गोना टेल यू हाउ इज़ इट गोना एक्चुअली हेल्प यू। रूट टैन एक्स है बच्चा, ठीक है, आपने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, वो तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बन के ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ द मोमेंट यू डू दैट, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, याद रखना, ओ तो ये कट जाएगा, ये सिर्फ टैन एक्स बच जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रही है ये चीज़, तो ये क्या बन जाएगा, रूट टैन एक्स अपॉन टैन एक्स, ये तो सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, रूट टैन एक्स अपॉन टैन एक्स विच इज गोना गिव मी दिस, तो ये एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है ये बन जाएगा। अब बताओ मुझे क्या करोगे,
यस 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 यस। अब बताइए मेरे को क्या करने वाले हैं आप? सोचने का सवाल है। यस, अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब मैं टैन एक्स को टी ले लूंगी तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। होगा है तुझको तो प्यार सजना डी टी अपॉन रूट टी। अब आप कर सकते हो, कोई और मेथड है आप डेफिनेटली सोच सकते हो, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड जिससे आप बड़े आराम से सफाचट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद कर लोगे, इसके बाद कर लोगे ना बच्चों? ओके। बाकी आगे 35th बहुत टिपिकल है, 1 + log x को आप टी लेते हो। थर्टी सॉरी 35th 37th करा देती हूँ, 37th करा देती हूँ। इसके बाद साइन ऑफ, ये मैं देखती हूँ कितने बच्चे मुझे बता पाते हैं कि क्या करूँ इसका। चलो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो, इसको कैसे करोगे? हाँ जी, यहाँ कोई बच्चा कह रहा है फैन, बिग फैन। फैन तो हमारे भी बहुत है, लेकिन सर्दी के वजह से घर वाले चलाने नहीं देते, समझ रहे हो ना? चलो आओ यहाँ पे बताइए कैसे करूँ इसको। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो आप। इफ आई टेक दिस एज टी, ठीक है, टैन इनवर्स एक्स रेज टू पावर। अब मैं टैन इनवर्स पे जाऊंगी, ये क्या दे देगा मेरे को? 1/1 + x^4² एंड एक्स रेज टू पावर 4 पे जाऊंगी तो 4x³dx is dt। आहा, सब कुछ हो गया बेटा यहाँ तो। ये देखो तो सही। अरे तुम देखो तो सही, यहीं पे है ये तो। यानी एक बार मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, विल बी 1/4 डी टी। ये क्या हो गया? कैंसिल। हाँ ठीक है, ये साथ साथ सॉल्व करते जाइए, तभी चीजें आसान लगेंगी आपको। ये हो गया 1/4 times sin t dt। इतनी सी बात है, इतना सा सवाल बन गया है। डन हो गया ये केडीएस, हो गया ये केडीएस, प्यार प्यार से करा दिए, प्यार प्यार से करा दिए। अब तुम्हारी एक्सरसाइजेस इतनी लंबी हैं तो बेटा थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना कराने में। थैंक यू हर्ष। ठीक है, ये वाला इजी था। हाँ ये रिलेटिवली इजी था। एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करा रही हूँ, उसके बाद आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज 7.3 जो है। ठीक है, आज जितना होगा हम बड़े आराम आराम से करेंगे, उसके बाद बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अरे कुछ बच्चे 26th पूछ रहे हैं, यार 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा 26th क्वेश्चन में है क्या जो इतना शोर मचा रहे हो तुम लोग? ये है, ये देखो ना यार, रूट एक्स को टी ले लो तो डेरिवेटिव इसके नीचे ही तो है, इसमें इतना शोर काहे मचा रहे हो बच्चों? ये क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रल? ये चीज आपकी डीटी हो जाएगी, तो 2 ये लो कर दिया, ये लो कर दिया 26th क्वेश्चन। शोर मचाया हुआ इतने सारे बच्चों ने, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, ऐसे बोलती है ना मैम। ठीक है, इट्स डन, यहां आ जाओ। 39th क्वेश्चन, जरा सोच के बताओ, बड़ा मजेदार सवाल है। प्लीज टेल द टाइम ऑफ द क्लास, 9 PM एवरी डे 9 PM। चलो आओ,
चलो यहाँ पे बताओ मेरे को कैसे करोगे इसको। हाँ जी, अब ये भी अगर तो चमक गया तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। ऊपर क्या है, वन है, वन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ये बड़े टिपिकल से सवाल हैं तुम्हारे, बड़े मज़ेदार से। एंड ये कई छोटी छोटी चीज़ें ना तुम्हारी जेई में, एनडीए में भी कहीं कहीं यूज़ हो जाती हैं, दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे तुम करते रहो जो करना है, हम तो भैया उड़न छू हो गए इसको करके। सेपरेट करो ज़रा इसको, साइन स्क्वायर एक्स ये सब, ये कट जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा जो सीकेंट स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स विल गेट कैंसल, आई विल बी लेफ्ट विद दिस। लो जी, सीकेंट स्क्वायर क्या एक्स क्या हो गया, टैन एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स। कहानी खत्म, पैसा हजम, कहानी खत्म, पैसा हजम। देखो 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 कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, मानते हो कि नहीं बच्चा? इट्स डन पीपल, इट्स डन, कूल। चलो अब मैं आपके जो अगला है आपका 7.3, उसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। ये देखो कितने सारे क्वेश्चंस करा दिए यार तुम्हें, तुम देख रहे हो ना, नोटबुक अगर भर रहे होते हैं तो 10 पेज तो कम से कम भर चुके होंगे अभी तक। चलो 7.3 पे आ जाओ। यहाँ पे यार ऐसा कुछ नया नहीं है, अब सारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कमाल दिखेगा। कितने बजे तक सेशन है, अरे बाबा पढ़ लो अभी। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। देखो अगर मैं धीरे धीरे करके आऊँ, जैसे कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, अब मैं ना एक एक करके कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कराती जाऊँगी, ठीक है। मेरे को लग रहा है मेरे को ब्लैंक स्क्रीन ले लेनी चाहिए क्या, यहाँ पे थोड़ी सी खिचपिच हो जाएगी, वरना साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, आई एम गोइंग बैक टू माई ब्लैंक स्क्रीन। मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन लिखती रहूँगी, आई थिंक दैट वे इट विल बी ईजियर। 7.3 बच्चों, 7.3 आ जाओ अपना, ये है पेज नंबर नंबर 307। चलिए कैसे करोगे इसे। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। कोई तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओ, है ना। मैं इसको, मुझे पता है यार आ, 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 इसमें क्या करें, मेरे को ये पता है ना, वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू लिख सकती हूँ, हाँ कि नहीं? क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका कॉस ऑफ समथिंग आ गया आप उसे इंटीग्रेट कर लोगे। यस, हाफ एंगल फॉर्मूला, बिल्कुल सही। तो मैं क्या करूँगी, हाफ ऑफ वन माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस, ये एंगल, एंगल कह रही हूँ, एंगल ट्वाइस हो जाएगा। बस जी आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, बस डायरेक्ट। अरे कॉस का क्या होगा, तुम्हारा साइन ही होगा, एंड आपको पता है यू आर गोइंग टू डिवाइड इट विथ 4 प्लस सी, ठीक है जी, डन। केडीएस किल डेड स्लॉटर्ड एवरीबडी, किल डेड स्लॉटर्ड, देख लो। आ जाओ आगे, आ जाओ, अंगल हो गया बेटा अंगल। कोई बात नहीं, हो जाता है सभी। डन है, ये डन है ना। तो कुछ कुछ सवाल करा रही हूं। चलिए अगर मैं सेकंड करवाऊं, ये कैसे करोगे। अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल आपको सिखाया नहीं है,
प्रोडक्ट रूल सिखाया नहीं है, आपको पता है टू साइन ए कॉस बी कैसे होगा? इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद टू कैसे होगा? ये टू साइन ए कॉस बी कैसे होगा रे, कैसे बच्चा? हाँ बिल्कुल ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा ना यार आपका, आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो आ जाएगा 3x माइनस 4x, तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा। इसको तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैं यूज़ क्या कर रही हूँ अभी तक, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। अगर आपको नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री, डोंट वरी, इस वीडियो के नीचे आपको एक फाउंडेशन सीरीज करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें सारी कराई हुई हैं। तो उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का भी सेशन है, उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स भी लगे हुए हैं, वो जाके आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? डन। अरे साइन थ्री एक्स के फॉर्मूला में क्यों जा रहे हो? तो क्वेश्चन उड़ गया, उड़ गया बेटा, उड़ गया। अच्छा थ्री नहीं, थ्री भी ऐसे ही सिमिलर है, कुछ कुछ सवाल करा रही हूँ ना तुम्हें। जैसे कि फोर्थ वाला अगर तुम देखो, बताएं, बताइए बताइए। अब आपका इसमें जो साइन थ्री थीटा वाला फॉर्मूला था उसको यूज कर लो। ये साइन थ्री थीटा क्या था? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इससे क्या होगा? मेरा साइन क्यूब थीटा में लिख सकती हूँ 1/4 ऑफ 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। जैसे ही आपका पावर खत्म हो जाती है ना, आप साइन एंड कॉस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो ये क्या हो जाता है आपका 1/4 ऑफ, देखो जरा, थ्राइस ऑफ साइन 2x प्लस 1, डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे इसके बाद, माइनस साइन ऑफ थ्राइस ऑफ दिस 6x प्लस 3। चलिए आ जाइए, बस इसको इंटीग्रेट करना है ना, बस बेटा जी इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? आप क्या चाहते हो कि इस एक्सरसाइज के बाद हम बाकी के टॉपिक्स क्या कर लें, क्या चाहते हो? देखो इस चैप्टर में बेटा 10 एक्सरसाइज, 7.8 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बाकी सारा कुछ सिलेबस में है। सो आप क्या चाहते हो, बाकी का चैप्टर हम कल करें? व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट, प्लीज बताओ चैट सेक्शन में। अभी तो यहाँ पे अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे साइन का, एन आंसर लिख दोगे, ठीक है? आंसर लिख दोगे, ठीक है? चलिए इसी तरह से अगले सवाल पे बढ़ते हैं बच्चा। अच्छा अभी इसको करो पहले, फिर देखती हूँ। अब यहाँ पे देखो तुम, जो भी सवाल यहाँ पे आ रहे हैं, सेवेंथ काफी सिमिलर है, एट्थ काफी, जैसे अब नाइन्थ को देखो कैसे करूँ इसे। ठीक है, चलो अभी इसको बताओ, अभी इसको करो, उसके बाद बात करते हैं। चलिए यहां पे मैं क्या कर सकती हूं, मैं 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती हूं, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको सेपरेट कर सकती हूं। तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 1 है, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स जो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। सिर्फ और सिर्फ यहां पे हम ट्रिगो के फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस विल बी 1 माइनस हाफ ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, कूल। बस अब इसको डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, 1 का इंटीग्रल एक्स है, हाफ को एज इट इज रखो, सीकेंट स्क्वायर एक्स के साथ टैन एक्स बाय 2 आता है, अपॉन 1 बाय 2 आता है, प्लस सी, ठीक है जी, खत्म जी। यस 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 यस, समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है ना चीजें, ठीक है? चलो कूल।
अब इसी तरह से अब देखो यहाँ पे एक बहुत मजेदार, आप जो फोर्थ एंगल में जा रहे हैं आपके, जैसे कि अगर आप टेंथ क्वेश्चन देख लो, इलेवेंथ क्वेश्चन देख लो, हर तरीके का सवाल तुमको यहाँ दिखा रही हूँ, साइन रेस टू पावर 4x dx, इसको कैसे करूँ मैं, इसको हम कैसे करें? देखो एक तरीका तो तुम्हारा क्या है, आप इसको ऐसे कर लो, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो फिर से ये देखो, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये 1/4 बाहर आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर, अब फिर से इसका होल स्क्वायर ओपन करा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस 2x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, इसको इंटीग्रेट कर लोगे, इसको आप फिर से फर्दर क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर 2x को 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, तो आप हर बार बस ट्रिगो ही ट्रिगो यूज करते जा रहे हो, ठीक है, हर बार बस हम यहाँ पे ट्रिगो ही ट्रिगो यूज करते जा रहे हैं और ऐसी एक सिचुएशन में आ जाते हैं जहां फिर सॉल्विंग बहुत आसान हो जाती है। समझ में आ रहा है सबको, एवरीबडी, यस और नो माय आर्मी, ठीक है। चलो अब एक बहुत मजेदार क्वेश्चन करा रही हूं, आ जाओ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, आप मेरे को सजेस्ट करो कैसे करोगे इसे, इट्स अ वेरी मजेदार क्वेश्चन। चलिए चलो 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 बताओ 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 इसे कैसे करोगे। इसके बाद आपका पार्शियल फ्रैक्शंस बचा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बचा है, स्पेशल इंटीग्रल्स बचा है और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज वगैरह बची है। बताइए अब इसमें ना कई बच्चे ये गलती करते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ऊपर लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं और कंफ्यूज, मतलब क्वेश्चन भयंकर डिफिकल्ट हो जाता है, भयंकर डिफिकल्ट हो जाता है। इसका बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ कॉस 2x को आप ऐसे लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड इसको भी ऐसे लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, बस कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, ये 1 कट गया, 2 को बाहर निकालो, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी मेरे पास क्या बच जाएगा। अब मेरे को ना यार जितने बच्चे हैं यहाँ पे सारे के सारे देखो कॉस एक्स, तो सारे बच्चे मेरे को पता है मेरे को आंसर दे देंगे साइन एक्स, कॉस अल्फा का इंटीग्रल बताओ तो मैं मानूं, लिखो चैट सेक्शन में कॉस अल्फा का क्या इंटीग्रल होने वाला है, लेट मी सी इन योर चैट्स बच्चों, बहुत बच्चे यहाँ पे ना, मैं आपको बता, हाँ कई बच्चे जीरो लिख देते हैं इसका आंसर, कई बच्चे साइन अल्फा लिख देते हैं इसका आंसर, कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या करोगे बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, 1 को कैसे इंटीग्रेट करोगे, एक्स आ जाएगा, तो जिस जिस बच्चे ने इसका आंसर एक्स कॉस अल्फा लिखा है उसको मेरी तरफ से आज ये है एक ब्यूटीफुल सा हार्ट जा रहा है, तुमने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना, कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट बेटा, उसको बाहर निकाल दिया आपने, तो आप इंटीग्रेट किसको कर रहे हो, आप 1 को इंटीग्रेट कर रहे हो। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और एंड में आते आते कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, राइट हाँ, गुड 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 गुड, बहुत सही बहुत सही, बस आगे, हाँ अब आगे एक दो और टिपिकल सवाल हैं उनको भी सीखो।
यहाँ पे जैसे 17th में आप इसको सेपरेट आउट कर लोगे, मुझे बताओ यार ये वाला आपने कर लिया है, 19th क्वेश्चन कैसे करोगे? चलिए जी 19th क्वेश्चन बताएंगे सब बच्चे, लेट्स सी इसको कितने बच्चे बता रहे हैं। 19th क्वेश्चन, कम ऑन गाइस। How are we going to do this one? वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कई बच्चे कर रहे हैं, तो उससे हेल्प मिल जाएगी क्या? सो मैंने ना आपको एक ये किया था मैसेज, देखो तो कैसा डे टू करके समझ नहीं आ रहा, लिखो प्लीज। कॉस क्यूब एक्स को टी कह रहे हैं कई बच्चे, ले लो, उससे क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे देखो तुम्हारे कॉस क्यूब एक्स को टी ले लूँ, तो ये थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, लेकिन उससे आगे क्या बढ़ा पाएगा? इसको ज़रा सोचो तुम लोग। ओके लो, वेरी लॉन्ग, ये मिक्स करके सब भर दो। चलो इसको तुम लोग सोचो जरा और मेरे को बताना चैट सेक्शन में, इसको सोचो जरा और मुझे बताना। डिवाइड बाय कॉस एक्स, ओके, ऊपर नीचे टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये वाला सोच के ना तुम इसका आंसर मेरे को लिख के बताना। मैं तब तक अगले उस पर जा रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा तो तुमको भी एक चैलेंज दिया जाए। 20th क्वेश्चन पे आओ, नहीं होगा तो बताऊंगी, बता दूंगी, पर थोड़ा सोचो, आदत नहीं डालोगे सोचने की, थोड़ा सा सोचो तो सही। यहां देखो पहले, चलो चलो अभी ये वाला करो, कम ऑन माय आर्मी। अरे अभी तक तुमने 4000 लाइक नहीं किए, शैतान बच्चों। चलो, एंड मैं बार बार बोल रही हूँ यार, जेई वाले बच्चे बिल्कुल घबराओ नहीं, सारे टॉपिक्स करूँगी, ठीक है? बट बहुत सारे बच्चे हैं ना जो बेसिक से भी पढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ देखो, या मैं क्या कर सकती हूँ, कॉस टू एक्स को बड़े मज़ेदार तरीके से ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बस ऊपर यूज करो a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे यूज करो a प्लस बी होल स्क्वायर, आपके पास क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा, यू विल बी जस्ट लेफ्ट विद दिस पीपल, इसको तो तुम उड़ा ही दोगे। इसमें तो जैसे ही आपने डिनोमिनेटर को t लिया, डेरिवेटिव ऊपर है ना? यस, जैसे ही आपने डिनोमिनेटर को t लिया, आपका इवेंचुअली आंसर इसका ये आ जाएगा। आई एम ट्राइंग कि हर एक सवाल जो भी बहुत टिपिकल है, डिफरेंट है, आप लोगों के साथ सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है जी? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ओके कूल, ओके, ये 22nd क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है, आ जाओ। ये वाला बताओ, इसको हाईलाइट करके रख लो, ये सेम चीज साइन में भी पूछी जा सकती है जो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेगी आपको। कम ऑन पीपल, टेल मी हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस वन नाउ। लेट मी सी इसको कितने बच्चे बता पा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा हटके सवाल है, देखो आपने क्या करना है, आपने ऊपर सेम चीज क्रिएट करनी है,
ठीक है, लेकिन विदाउट एनीथिंग तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक पोल डाल दिया है, अगर आप चाहते हो, देखो अगर मैं तो ऐसे कर सकती हूँ, आपको टॉपिक बताऊं एंड उसमें से फटाफट कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन अगर आप चाहते हो हम इसी पेस के साथ आराम आराम से हर एक्सरसाइज को करें, तो फटाफट से एक आपके लिए पोल पिन हुआ है, उसका जवाब देना स्टार्ट करो। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉस से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, अब ये भी सोचने वाली बात है कि कॉस से करूं कि साइन से करूं। कॉस से करती हूं तो यार देखो कॉस की एक्सपेंशन जो आती है ना, कॉस बड़ा मीन, बड़ा सेल्फिश फंक्शन है, वो कॉस वालों को साथ रखता है, साइन वालों को साथ रखता है, तो उसमें जब आप फिर डिवाइड करोगे वो हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, साइन से करो, अभी पता चल जाएगा क्यों। अच्छा, इसको ओपन करो, एक्स एक्स कट जाएगा, बी माइनस ए आ रहा है, यानी मेरे को वन अपॉन साइन। तो आपने किया क्या है, मैंने ये लॉजिक सिखाया, मैं आपको शुरू में वैसे ही कह सकती थी कि आप डिवाइड करो साइन बी माइनस ए से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आता क्यों किया है। अब समझो, अब ये क्या है, ये साइन ए माइनस बी का यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाने वाले हो। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने वाले हो, हाउ डज दैट हेल्प मी, समझो इसे। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है जी, इसको सेपरेट करो, यहां भी सेपरेट करो, मैं कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां पे काफी चीजें देखो तुम्हें कटती हुई दिख जाएंगी, व्हाट विल आई बी लेफ्ट विद, व्हाट विल आई बी लेफ्ट विद, एंड यहां पर ये वाला सा कॉस कॉस कॉस, तो मेरे पास क्या बच रहा है बच्चों, वन अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए, वो तो कॉन्स्टेंट है, डज नॉट मैटर, यहां बच जाएगा टैन ऑफ एक्स माइनस ए, यहां बच जाएगा माइनस टैन ऑफ एक्स माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला हमें आता है डायरेक्टली इंटीग्रल का, लॉग मॉड सीकेंड एक्स माइनस ए कर दो, या फिर माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए कर दो, जैसे मर्जी कर दो, जैसे मर्जी इसको कंप्लीट आप कर सकते हो। डन है, हाँ समझ आ गया सबको, एवरीबडी एवरीबडी फटाफट से यार पोल करो, पोल करके बताओ बताओ बताओ। ठीक है जी, ठीक है जी, कर लोगे इसको, बहुत ही टिपिकल एंड बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। सो हमने मेजॉरिटी आपके सारे डिफरेंट तरीके के सवाल निकाल दिए हैं। ठीक है, एक काम करते हैं यार, तुम्हारी यहाँ पे पोल जब तक कर रहे हो, मैं एक कॉन्सेप्ट तुम्हें और आगे बढ़ा रही हूँ, जो स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, नौ तरीके के स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, उनकी ट्रिक सिखा देती हूँ कैसे याद रखना है उसे। ठीक है, कैसे याद करना है उसे, तो आ जाओ मेरे साथ, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये लेकिन ये कर लेते हो ना तो तुम्हारा एक्सरसाइज 7.4 और एक्सरसाइज 7.7 दोनों कवर हो जाएंगी एक साथ, एक साथ। ठीक है, एंड तब तक तुम लोग फटाफट से पोल का जवाब देते जाओ। अरे ये कहाँ पहुंच गई मैं, ये नहीं करना अभी, अभी हम ये करेंगे, यहाँ देखो, और मैं तुमको यार इसको याद करने की भी ट्रिक्स सिखा दूंगी। ओके, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ये तीन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सब डिनोमिनेटर में है, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे दो दो बार एक ही चीज लिख दी, अरे अरे ये प्लस था बच्चा, बच्चों ये प्लस साइन है। हाँ अब समझो जरा, ये तुम्हारा बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है क्या, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इफ यू गाइज रिमेंबर बिगिनिंग में हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट किया था, क्या वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स किया था ना, इन सबको हम प्रूव कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से, यानी को एक्स ए टैन थीटा ले लो, इसमें एक्स को आप
ए सीकेन थीटा या कोसेकेन थीटा लिख सकते हो, पर उन प्रूफ्स में मैं नहीं जा रही, मैं आपको डायरेक्टली याद करने का तरीका बता रही हूँ। ये वाला एक एक्सेप्शनल है, बहुत सिमिलर है, ए स्क्वायर की जगह वन होता, टैन इनवर्स एक्स लिखते ना, बस वही है, वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये जो दोनों तरीके हैं इनको याद करने की ट्रिक क्या है समझ लो। वन इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन इज डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड इसके अंदर क्या करने वाले हैं। देखो, वन बाय टू ए, वन बाय टू ए और लॉग लॉग तो दोनों के पास है। अब ए स्क्वायर इज द मोस्ट पावरफुल, ए स्क्वायर इज द मोस्ट पावरफुल। अगर मेरे ए स्क्वायर में, आपको पता है यार x, एक मिनट, यू गाइज डेफिनेटली नो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं x माइनस ए एक्स प्लस ए लिख सकती हूँ। एंड मैंने बोला ए स्क्वायर इज द मोस्ट पावरफुल, यानी ए स्क्वायर के आगे अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव वाली टर्म ऊपर जाएगी एंड पॉजिटिव वाली टर्म नीचे जाएगी। हाउ इज द ट्रिक, हाउ इज द ट्रिक, बेसिक बेसिक, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है, इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ए स्क्वायर इज द मोस्ट पावरफुल, ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला तुम्हारे न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड फिर जो बचा हुआ दूसरा है डिनोमिनेटर में नेगेटिव चला जाएगा। क्या ये चीज मेरे को समझ में आ गई है एवरीबडी? कम ऑन माय आर्मी एवरीवन, इज द थिंग क्लियर? अरे ये तो मैं कहीं दूसरे आगे ही बढ़ गई। इज दिस ट्रिक क्लियर एवरीवन? कम ऑन माय आर्मी, फटाफट से बता दो मुझे इसका जवाब, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, कूल। अब सेम वे में यहां पे देखो, सेम वे में यहां पे देख लो, एक ये एक्सेप्शनल केस है, बहुत सिमिलर है तुम्हारे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का फॉर्मूला, तुम्हें बिगनिंग में कराया था ना कि अगर डी एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आप क्या करते हो, साइन इनवर्स एक्स। सेम चीज यहां कर दिया, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। एंड इसको याद करने की ट्रिक तो बहुत ही ईजी है, यानी कि अगर स्क्वायर रूट के साथ है ये तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, लॉग ऑफ आपने ये एक्स प्लस इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। मेरे रट्टू बच्चों, तुम लोग जैसे करते हो ना उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या किया, एक्स प्लस इसी टर्म को कॉपी पेस्ट कर दिया। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल, दैट्स इट बच्चों, वेरी वेरी सिंपल। आई होप ये चीज मेरे को क्लियर हो गई है, हाँ कि ना इन द चैट्स, हाँ कि ना इन द चैट्स, डन। एंड जो तुम्हारी लास्ट वाले जो है फॉर्मूलाज, विच इज दिक्स, एक मिनट ये डायरेक्टली मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सिमिलर ही है, इसके अंदर क्यों नहीं दिख रहे, जस्ट से अरे यहीं पे लगे हुए हैं, ओके कूल। ये देखो सेम चीज अगर मैंने रूट में है, वन अपॉन की जगह ऐसे रूट में है, तो इसके अंदर क्या करना है आपने, ध्यान से समझ लो इसको याद करने की ट्रिक। ये इस पे क्या है, ये एक्सरसाइज 7.7 पे बेस्ड है, समझ जाओ यहां पे क्या किया आपने। देखो सबसे पहले तो तीनों जगह पे x बाय टू है एंड यही चीज कॉपी पेस्ट है, यही चीज कॉपी पेस्ट है, यही चीज कॉपी पेस्ट है, इतना मेरे को समझ में आ गया, बहुत सिंपल है याद रखना। उसके बाद ए स्क्वायर इज द मोस्ट पावरफुल, ये ए स्क्वायर पॉजिटिव है प्लस ए स्क्वायर बाय टू कर दिया, ये ए स्क्वायर नेगेटिव है माइनस ए स्क्वायर बाय टू कर दिया, ए स्क्वायर इज पॉजिटिव प्लस ए स्क्वायर बाय टू कर दिया। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, आर यू गाइज विद मी? आर यू गाइज विद मी ऑन दिस? अब यहां पे बस एक सिंपल सी चीज समझ लो, बाकी का पार्ट मैं याद कैसे करूं, जो ये वन अपॉन फॉर्मूला था वो क्या दे रहा था हमें, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये जो वन अपॉन फॉर्मूला था ये क्या दे रहा था, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर,
अरे माइनस ए स्क्वायर, उल्टा कर दिया। ये जो वन अपॉन रूट था ये क्या दे रहा था? दैट्स इट, बस एग्जैक्टली टेपू फॉर्मूला जो आपने अभी वन अपॉन के लिए पढ़ा है, बस वही यहां पे टेप दो, वही यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, दिस इज एब्सोल्यूटली डन। अब इससे आप एक्सरसाइज 7.4 भी कर पाओगे, 7.7 भी कर पाओगे, जो सबसे ज्यादा आसान तुम्हारी एक्सरसाइजेस है, तो उसको फटाक से निपटाते हैं, ठीक है, उसको फटाक से खत्म करते हैं। क्या है उसमें देखो, आई एम जस्ट ओपनिंग योर टेक्स्ट बुक। आ जाओ जी, 7.4 ये रही एक्सरसाइज 7.4। अब देखो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो सिर्फ फॉर्मूला की तुम्हारी एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर मेरे को यहाँ करना है, मैं डायरेक्टली तो यहाँ नहीं लगा सकती, पर मेरे को पता है मैं एक्स क्यूब को टी ले सकती हूँ, ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया, एक्स क्यूब को टी लिया, तो ये क्या दे देगा मेरे को, 3x² dx is dt, ओके, तो यहाँ क्या मिल गया, dt/t² + 1। जल्दी बता दो मुझे इसका क्या आंसर होगा, dt/t² + 1, जल्दी जल्दी बता दो मुझे क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो ना, बिल्कुल tan inverse t + c, और t को हम x क्यूब डाल देंगे, सिंपल सिंपल। चलो अब इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं ये वाला करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/√1 + 1² + 2x²। अब याद रखना वो तुमने x स्क्वायर के लिए किया था, यहां 2x² है, पर कोई बात नहीं, लीनियर है ना, आप लगा सकते हो, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा log of mod of 2x plus, कॉपी पेस्ट इसी को मारा, फॉर्मूला बस याद होने चाहिए, एंड ये 2x है ना, इसलिए अपॉन 2 करना पड़ेगा आपको, प्लस सी, कहानी खत्म। इतनी सी बात है, ठीक है जी, इतनी सी बात है, सारी जगह पे आप यही काम करने वाले हो। यहां देखो, इसको इंटीग्रेट करने को मैं बोल दूं, आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 7.4 देखो, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 3² - 5x² और चाहो तो इस 25 को बाहर भी निकाल सकते हो, दैट्स योर कॉल। 1/√a² - x² क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 5x/3, बस ये याद रखो यार, ये 5x है, वेयर एज मैंने x का किया था फॉर्मूला, तो मैं अपॉन 5 कर दूंगी, प्लस सी, खत्म। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, बस डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है अपना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिस इज डन। सेम चीज, आप इसमें एक्स स्क्वायर को टी ले लो पहले, तो जरूरी नहीं है ना आपको डायरेक्ट पूछ ले, हो सकता है कुछ सब्सटीट्यूशन करनी पड़े, यहाँ पे भी एक्स क्यूब को टी ले लो, यहाँ सेवन्थ, कई बच्चे सेवन्थ पूछ रहे हैं, सेवन्थ में क्या है यार, कैसे करोगे सेवन्थ को, सेपरेट कर दो इसको, x/√x² - 1 - 1/√x² - 1, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आप, यहाँ क्या करोगे, x² - 1 को t ले लो, तो 2x dx dt ऊपर आ जाएगा, सेवेंथ क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उन्हीं को बता रही हूँ, यहाँ पे आप इसको t ले लो, एंड यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, log ऑफ mod x/√x² - 1 + c, खत्म, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आप tan x को t लेके और इसको कर सकते हो,
आगे मैं जाऊं, अब ये वाले थोड़े से सवाल हैं जो लगते हैं पता नहीं हम कैसे करेंगे। इसके अंदर ना ये जो थोड़े से नीचे नीचे वाले हैं ना, जैसे कि ये 19th onwards, ये मैं कल करवाऊंगी क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल सवाल है, ठीक है। बट ये जो छोटे मोटे कीड़े मकौड़े जैसे क्वेश्चन है, जैसे कि ये, अब समझो इसको, इसको मैं यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक शीट पे करा रही हूँ आपके 7.4 क्वेश्चन 10। आप भी मेरे को बता सकते हो कैसे करोगे। कुछ नहीं है, अगर मैं इसको 1+1 लिख दूं 2 को, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 होल स्क्वायर +1। लो लगा दो फॉर्मूला डायरेक्टली, लगा दो फॉर्मूला डायरेक्टली, क्या आ रहा है ये, log mod x+1 + सेम यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट टेपू बच्चे प्लस सी, कहानी खत्म, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्या बात है, बहुत सही, बहुत ही सही, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या करोगे, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अच्छा ऐसे ही अब तुम ये देखो क्वेश्चन 11 देखो, सर मेरे ख्याल से इसके बाद कल के लिए वो एक वो कर देते हैं इसी का कंटिन्यूएशन का। लेकिन देखो इतनी सारी मेहनत हो रही है, तो मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन एंड यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। 2 घंटे से हमारा सेशन चल रहा है, एंड सर आपने भी नोटिस किया होगा एक एक चीज बहुत बेसिक से कराई जा रही है बच्चों को। बट ऐसा क्या आपके चैनल में हम क्यों सब्सक्राइब करें, हम क्यों करें, सर बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पे, सर बोल रहे हैं कि हम सब्सक्राइब क्यों करें चैनल को, आपको क्या लगता है। एक सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये चैनल जॉब नहीं है, ये चैनल एक पैशन है मेरा, जहाँ पर आप तक पूरी कोशिश की जा रही है कि ये आपको हेल्प करे, क्वालिटी एजुकेशन हर एक बच्चे के पास कोने कोने में पहुँचे, राइट। एंड दैट इज़ वाई बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिखा कि मैम टर्म 2 आप बेसिक से स्टार्ट करा दो, एंड मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे जेई के बच्चे भी हैं, सो आई थॉट कि हाँ यार उसको एक बेसिक लेवल से लेकर चलना चाहिए, एंड ताकि हर एक बच्चा सीख सके जो जेन्युइनली सीखने वाला है। सो मेक श्योर कि यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस मत करो, एंड आप जितना ज़्यादा यू नो वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट्स नीचे करते हो, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू पुश माई सेल्फ हार्डर, है ना, एंड वर्क मोर एंड मोर फॉर यू गाइस। सो आगे भी अभी बहुत कुछ होने वाला है, राइट। यहाँ पे देखो ज़रा, कुछ नहीं करना, आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही करना है, आप चाहो तो यहाँ 9 बाहर निकाल दो ताकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर आसान हो जाए। ये 6/9 है जो 2/3 हो जाएगा, बस अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है आपने, वो तो हमें पता है। इसके कोफिशियंट को हाफ कर देते हैं और फिर उसको स्क्वायर कर देते हैं, है ना जी, ये क्या आ जाएगा +1/9 एंड यहां -1/9। कूल एवरीबडी, दिस इज x+1/3 होल स्क्वायर एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/9 विच इज 2/3 होल स्क्वायर। आप वही फॉर्मूला लगा दो अपना 1/8 tan inverse of x/a + c, इतनी सी बात है और कुछ है ही नहीं, ठीक है जी, इतनी सी बात है, छोटी सी और कुछ है ही नहीं। सो इसी के साथ आपकी पहली 4 एक्सरसाइजेस को बहुत ही डिटेल में करा दिया गया है। इसी तरह से कल रात 9 बजे को भी वी आर गोइंग टू डिस्कस आपकी जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं, यानी कि आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शंस एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको कंप्लीट इसी तरह से करेंगे, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे सैम्पल पेपर पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड सॉल्व योर जेई थिंग्स ऑल्सो। इस वक्त आपके यार चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइव चैट पे पोल लगा हुआ है, मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लिंक लगा हुआ है, पिंड है आपका, क्या आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स और उन सब के बारे में पता है, ठीक है। tinyurl.com/letskilj22 इज़ नॉट ओनली अ सिंपल PDF,
बट इट इज एक्चुअली एक तरीके से आपकी डिजिटल लाइब्रेरी. क्यों? यहाँ पे आपको यार हर पूरे पूरे जेई 22 के बच्चे हो, 23 के बच्चे हो, व्हाटएवर, आपका पूरा का पूरा चैप्टर वाइज वीडियोस लगी हुई हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ. ठीक है, तो जैसे आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स करना चाहते हो, तो हमने ये जो सीरीज शुरू करी है जिसको हमने कंप्लीट कर रहे हैं साथ साथ, सिर्फ देयर ऑल क्लिकेबल लिंक्स. तो आप जैसे ही क्लिक करते हो, वीडियो ऑफ कोर्स बिगिंस, एंड उनके साथ साथ हर इस वीडियो के नीचे यार मेरे देखो हैंड रिटन नोट्स हैं, एंड उसके बाद इन्हीं से मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. एंड ये पूरा आपको डाउनलोड कर सकते हो, इसको प्रिंट करके लगा सकते हो अपने पास. 21 के भी बहुत सारे बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया, एंड ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं. मतलब सारे चैप्टर्स के हर एक जो नोट्स हैं ये खुद मैंने सब बनाए हुए हैं. सो आप इन पे 100% रिलाई कर सकते हो. एंड इसी के साथ साथ हर वीडियो के नीचे यार उसकी PDF भी लगी हुई है फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये इस तरीके से सिंक्रनाइज है कि पहले आपको 21 के सारे सवाल मिलेंगे, फिर आप पीछे जाना चाहते हो 2020 के क्वेश्चंस, अपने NTA अभ्यास ऐप के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, आपके सेंगेज बुक के क्वेश्चंस. सो हर एक चैप्टर के अंडर यू विल फाइंड, एंड दिस इज लिटरली अ कलेक्शन ऑफ आई गेस 3,000 to 4,000 क्वेश्चंस. सो इसमें ऑलरेडी सॉल्वड हैं तुम्हारे JEE के. तो अगर आप ये कर लेते हो, यू आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजिशन, क्योंकि ये आपको पूरी प्रैक्टिस दे रहा है. एंड दिस हैज़ बीन डन इन डिटेल फॉर ऑल द चैप्टर्स. एंड इसी तरह हम सारे चैप्टर्स आपके 21 के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके इसी तरह डालते जाएंगे. एंड मजे की बात यह है, एक बार आप पूरा यूनिट भी खत्म कर लेते हो, ठीक है, अब आप बोलते हो कि मेरे को तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, तो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट भी लगे हुए हैं. चाहो तो इसके नीचे से PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है, और खुद दे लो, या फिर साथ साथ टाइमर चलता है आप उसके साथ साथ भी देते जाओ. मेक श्योर यू गाइज आर डूइंग दैट. एंड इसके अलावा जैसे आपने पूरा कैलकुलस खत्म कर लिया है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैम मेरी सारे चैप्टर्स की मिक्स प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो भी आपको सब यहाँ मिल जाएगा. एलजेब्रा खत्म कर लिया, जस्ट क्लिक ऑन इट, अपना फायदा देखो. या तो साथ साथ यहाँ पे टाइमर चलता है, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ सारे तरीके के क्वेश्चंस, या फिर वीडियो के नीचे से यू कैन पुल आउट द PDF. सो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुकी है. मेक श्योर कि आप इस डॉक्यूमेंट को जाके डाउनलोड करके रख लो अपने पास, एंड दिस वी कीप ऑन अपडेटिंग. तो tinyurl.com/letskilljee22 हर एक बच्चे के पास डाउनलोडेड रहना चाहिए, ताकि आप उसे अपने हिसाब से यूज कर पाओ, यूटिलाइज कर पाओ, पढ़ पाओ उससे. ठीक है, तो ये सारी मेहनत हो चुकी है ऑलरेडी. एंड इसी तरह से अगर आप टर्म टू में भी, जिस तरह हम लोगों ने अब ये बीड़ा उठाया है सारी चीज़ों को दोबारा से करवाने का, बट वैसे सारा टर्म टू भी आपके लिए पहले से भी कराया जा चुका है. दिस इज tinyurl.com/12th-term-2 विद नेहा. आप यहाँ पे जाते हो, सारे के सारे चैप्टर्स एज पर योर लेटेस्ट सिलेबस इसमें कराए जा चुके हैं विद PYQs. सो आप डेफिनेटली यहाँ पे जाके भी अपने पेस पे पढ़ सकते हो. और पता है मज़ेदार बात क्या होती है इन सेशंस की, आप उनको 2x पे देख सकते हो. तो अगर आपको यहाँ कोई 2 घंटे का सेशन दिख रहा है, आप उसे स्किप कर करके देख सकते हो, आप उसको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो. सो बेसिकली यू कैन यूज इट द वे यू वॉन्ट इट. कई लोग बोलते हैं ना कि हम मारते हो, हाँ वो है, इट इज अ फैक्ट, क्योंकि जब हम लाइव सेशन करते हैं ना बच्चों, तो फिर बात तो होती है ना. दैट इज वाई आप हमेशा उसको आगे बढ़ा सकते हो, स्किप कर सकते हो उस पोर्शन को. भैया तुमको सेल्फिश बनना है, तुम्हें अपना काम निकालना है जिस तरह से हो. एंड मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, आज मेरे को ये जरूरी नहीं है कि मेरे को इंटीग्रेशन पढ़ना है, क्योंकि नेहा मैम या कोई भी चैनल कोई भी आपको लाइव पढ़ा रहा है, नहीं. मेरे को देखना है कि मेरे शेड्यूल में इस वक्त क्या फिट हो रहा है. अगर मैं कुछ और कर रही हूँ तो मेरे को उसको प्रायोरिटाइज करना है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. और एक और चीज़ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हाउ टू स्कोर 40 on 40 टर्म टू में, सारे आपके फ्री रिसोर्सेज इस वीडियो के नीचे लगे हुए हैं. सब कुछ पूरे प्लान है इसके अंदर. मेक श्योर दैट यू आर डेफिनेटली चेकिंग दिस आउट. और हाँ यार, इन सेशंस में डेफिनेटली बहुत जान लग रही है, एंड आप लोगों को आई गेस ये चीज़ पता भी है कि यू नो आई एम ऑल्सो टेकिंग द सेशन आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग,
क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीबडी इंक्लूडिंग मी इन द फैमिली गॉट कोविड पॉजिटिव एंड वी आर कमिंग आउट ऑफ इट स्लोली. लेकिन ये मेहनत तो चल रही है. आप लोगों को बस एक काम करना है, वीडियो को अगर आपको सच में दिल से लग रहा है कि इट इज़ हेल्पिंग यू आउट, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, तो शेयर करो अपने जूनियर्स के साथ, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि दैट इज़ दी ओनली मोटिवेशन दैट आई गेट. मतलब उस टाइम पर भी मुझे एक एक दिन लग रहा था यार मैं कब अपने बच्चों के पास वापस जाऊंगी एंड आई विल बी एबल टू डू व्हाट आई लव टू डू, बट द ओनली मोटिवेशन आई हैव इज़ योर सपोर्ट. सो दैट्स इट. सो मुझे आपसे, कई बच्चे जिस तरह सुपर चैट ये वो करते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी मनी हियर, आई एम ओनली लुकिंग फॉर योर लव एंड सपोर्ट. सो मेक श्योर यू कंटिन्यू टू कीप इट इंडियाज मोस्ट लव्ड मैथ चैनल, राइट? सो चलो फिर इसी तरह मिलके मचाते हैं, आग लगाते हैं, कल आपसे मिलके आते हैं. और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलो, वहाँ पे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग कुछ वीडियोस मिलने वाली हैं, आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है? जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जानते हैं यार तो यहाँ पे, राइट? यहाँ पे अभी मैंने कुछ एक बहुत ही, मतलब दिस इज द अदर साइड एंड आप डेफिनेटली जाके चेक करो, मज़ा आएगा. एंड ये तो IIT वालों के लिए बहुत रिलेटेबल वीडियो मिलेगी आपको. एंड यस, यहाँ पर आपके मैथमेटिकली इंक्लाइंड की टी शर्ट्स का दोबारा से बहुत जल्दी गिव अवे होने वाला है, जहाँ पर मैं बच्चों से लाइव फ़ोन पे बात करने वाली हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू सेंड यू आउट दीज टी शर्ट्स. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू बोथ माई चैनल्स. इसी तरह से मिलके मचाएंगे, आग लगाएंगे, बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलने आएंगे, ठीक है जी? ओके जी सर, बाय सर, थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर माई आर्मी, टेक केयर, बाय बाय. कल मिलते हैं बाकी के टॉपिक्स के साथ, आपकी 7.5 से लेके बाकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करते हैं. बाय.